नहीं नहीं गलत है ना, हमको क्यों नहीं बुलाया तो होली में? हमको होली भाई साहब आप मानेंगे नहीं, चार जन का इनको खाना भारी पड़ गया। हाँ हमको बुला नहीं सकते थे। मत करो, मुझे मेरा मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है। माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज रिकॉर्डेड ऑन 29th February 2016। भाई के फोन पे। What is this research? My husband has got his really beautiful lashes, long lashes. So I'll see my husband's lashes. Always wanted to marry Ranbir. Yes? Are you mental? Can't understand English? Why are you standing here? Go back. No, I didn't drop the hamster. I didn't drop the hamster. It by peeper. It by peep. Who dropped the Sorry, my daddy. It fell down. I didn't drop it. Okay, मैंने आपको 5 साल दिए हैं, आप मुझे 2 साल दो। उन्होंने after school hours मुझे रोका और they were just yelling at me and मैं पूरी शिवर करने लग गया। स्टोरी सुनाते सुनाते मुझे ऐसे हो रहा है ना। So, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस इंटरव्यू को ओपन कैसे करें। आपने मेरे पे टॉस किया, मैंने आप पे टॉस किया, अब मैंने ओपन कर दिया है। नाउ आई वांट टू लिसन। मैं चाहता हूं कि शिवा 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 की जगह अमित 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 तो क्या है यार। मुझे लगता है अभी रणबीर कपूर को भी लगता होगा कि असली वाली आलिया भट्ट कौन है। अरे यार पूछ लूंगा मैं उनसे, पूछना बता देंगे वो। मेरी तरफ से आई लव यू। वो इतने विट्टी है ना, वो कहीं नहीं। मेरी तरफ से भी मेरी तरफ से आई लव यू। हां यार ये वाली ज्यादा अच्छी। बोलूंगा मेरी तरफ से आई लव यू बोलना यार उसको, बोलना यू नो ही इज आल्सो वेरी वेरी चिल्ड आउट एंड वेरी। आई नेवर मेट हिम। नेवर मेट आलिया आल्सो। अच्छा आई विल मेक श्योर कि ये इंटरव्यू इतना वायरल हो जाए कि आलिया और रणबीर खुद आपको मिले राहा के साथ वो भी। अरे आई लव बेबीज एंड आई लव राहा। हां वो तो बड़ी क्यूट है बहुत, उसका मतलब जो वीडियोस आए हैं एकदम मतलब। अच्छा ये बताओ आप हो कहां से? मतलब यार मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हूँ। हाँ। पता नहीं लोगों को लगता है कि मैं राजस्थान से मैं पैदा होके आई हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ और मुझे मारवाड़ी बोलनी आती, तो उनको लगता है इतनी अच्छी मारवाड़ी कोई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे वाला इंसान कैसे बोल सकता है। मैंने कहा आप बोलो। आप ये घर वालों को बोलो आप मारवाड़ी में बात करें तो अपने आप पता चल जाएगा। बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। हाँ मेरे पापा का भी जन्म यहीं का, मेरे दादा का भी जन्म यहीं का है। ओह गॉड, मतलब प्रॉपर मुंबई का। प्रॉपर मुंबई। तो भाई कोई राजस्थान से कनेक्शन नहीं है? नहीं नहीं कनेक्शन है, मेरी मम्मी राजस्थान की है ना। हाँ मम्मी राजस्थान की है लेकिन आप यहीं से हो ना। हाँ, तो राजस्थान के लौंडे जो हैं वो फालतू में इस बात को लेके लाइन ना मारे। नहीं मारो ना, क्यों नहीं मारना है? मार लो चलो ठीक है। नहीं लाइन तो मारो, बोलो मुंबई कर। हाँ मुंबई कर, बट बोलो मुंबई कर ठीक है। पर रूट्स राजस्थान की है, प्रॉपर अभी जैसलमेरी जाके आई हूं, वहीं से लिया मैंने ये कुर्ता सेट। कैसा लग रहा है? अरे शानदार एकदम, पतले लग रहे हो ऑफिस में। इनसाइड जोक गाइस। तो मुंबई में पैदा होने के बाद पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं पे हुई? क्या किया पढ़ाई में? लॉ। वो तो बाद में किया, उससे पहले स्कूल में भी तो आपके साथ बहुत कांड वांड हुए थे, मतलब आपको बड़ा बुली किया गया था। आप सब रिसर्च करके आए हो? यही सुनना होता है। आप सब रिसर्च करके आए हो उसके बाद इंटरव्यू शुरू होगा। दैट वाज अ वेरी सैड पार्ट। जो जो मैंने आपकी वो वाली स्टोरी जब रिसर्च करी, जो मुझे पता चली, एंड उसके बाद जब हम आपका इंस्टाग्राम देखते हैं उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। मतलब उसमें एक ऐसी लड़की दिखती है जो लगता नहीं है कि जिसने बचपन में वो सब झेला है, कि जिसको मिमिक्री करने पर इतना टॉर्चर किया गया। So I think that is something very inspiring. क्योंकि सबको लगता है कि हाँ भाई आलिया भट्ट की मिमिक्री कर ली, शिवा 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 कर दिया, ये तो मतलब हो गया। तो पीपल थिंक दैट इट इज़ वेरी ईजी कि हाँ भाई रील वायरल हो गई, फेमस हो गए, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो वॉट इज दैट स्टोरी? ईमो मत करो, मुझे मेरा मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है। मेकअप वालों को बुला पूरा जुगाड़। नहीं तो यार मतलब आई वॉज पहले तो बेबी, तब मैं बहुत ही बोल्ड ऐसे बिंदास बच्ची थी। देन स्कूल हैपेंड, उसके कारण ऑफकोर्स टीचर्स ने बुली किया, कोई फ्रेंड्स वेंड्स नहीं थे, उन्होंने भी बुली बुली किया और ये सिलसिला काफ़ी 10वीं तक चला। होता ना, रीज़न क्या था?
यार मुझे अगर मिल जाना रीजन असली तो मैं आपको बता दूं, मुझे पता नहीं रीजन, आई थिंक मिमिक्री वाज द ओनली रीजन फॉर द टीचर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इतनी एक्यूरेट मिमिक्री करती हूं, अब उनको अपनी आवाज चुभ गई शायद सुन के. वही मतलब कि भाई मेरी नकल कैसे उतारी, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, पर उसका बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने. एंड आई वाज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड, लाइक आई एम फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, लाइक मेरा इंट्रो ही वही होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई एंड फाइनली इस पॉइंट पे आ गया था कि उन्होंने आफ्टर स्कूल आवर्स मुझे रोका और दे वर जस्ट येलिंग एट मी एंड मैं पूरी शिवर करने लग गई. अभी स्टोरी सुनाते सुनाते मुझे ऐसे हो रहा है ना, तो मैं पूरी शिवर करने लग गई एंड उन्होंने बाद में एक मौसी के साथ में मुझे घर भेजा और बाजू वाले का कंसेंट लिया कि बच्ची पहुंच गई है हमारे साइड से, हम फ्री हो गए. हाँ, सो तो मम्मा टुक मी टू अ साइकियाट्रिस्ट और मैं उस चीज़ की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फैमिली में वो एक सपोर्ट शुरू से था मेंटल हेल्थ को लेके, इसलिए यू नो स्पीक अबाउट मेंटल हेल्थ अ लॉट, लाइक डोंट टेक इट लाइटली. और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने थेरेपिस्ट के पास जाना नॉर्मल कर दिया है काफ़ी हद तक, विच इज़ गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड. बट लोग आज भी साइकाइट्रिस्ट के नाम से पता नहीं क्यों डरते हैं, सोचते हैं कि नहीं 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 गोली दे देगा, कहते हैं कि हम पागल डिक्लेयर, हाँ पागल डिक्लेयर जाएंगे, गोली दे देगा, पागलों का डॉक्टर के पास जा रहा है, हाँ पागलों का डॉक्टर नहीं, हाँ वो ही तो, एग्जैक्टली लोगों को पता चलना चाहिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड इट्स वेरी नॉर्मल. अगर आपकी हड्डी टूटती है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास ही जाओगे ना, तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं, और वो आपको नहीं, वो एडिक्शन नहीं होता है गोलियों का. मैं इतना, मुझे कभी कभी लगता है कि आई हैव टू दिस ये इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से स्प्रेड हो रही है, इसको सबको क्लियर आउट करना है मुझे, दैट इज़ माई मोटो. बट एनी वेज, तो उन्होंने लेटर वेटर लिखा कि भाई प्लीज़ हैंडल विद केयर, शी इज़ अ फ्रेजाइल. तो वो टीचर्स ने कहा कि 100 रुपये का लेटर कहाँ से बनवा के लेके आए. तो फिर मैं बहुत ही कम स्कूल गई थी एंड देन वो सिलसिला वहीं 10th में मुझे आए 72 एंड देन वाज लाइक ठीक है डन. बट इट वाज देयर इन मी सो मच कि उसके बाद मैंने मिमिक्री करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था. या मैं बंद ही, मतलब आई बिकेम मोर एंड मोर इंट्रोवर्ट, शाय एंड टिमिड कहीं ना कहीं. एंड तब यू नो देन यू सेल्फ टॉक से और आपको और भी लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव टू ऑप्शंस इन लाइफ, इधर यू टेक दिस एंड यू नो सिट लाइक ओ माय गॉड नाउ आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एंड मेरे से नहीं होगा दिस एंड दैट, और इधर यू नॉट टू प्रूव देम बट टू गेट बैक एंड हैव दैट ट्रस्ट इन योर आर्ट वंस अगेन एज एन आर्टिस्ट, यू नो वट दिस इज अ ब्यूटिफुल आर्ट. मुझे लोग कहते हैं कि आप कुछ ओरिजिनल करो, कुछ ओरिजिनल करो. मैंने कहा गेटिंग इन अ कैरेक्टर इन इटसेल्फ इज अ वेरी ओरिजिनल आर्ट फॉर्म. तो देन फिर आई डिसाइडेड लाइक यू नो वट ठीक है, आज आपने शायद इस वजह से मुझे बुली किया है या जो भी मुझे आपको बुरा लगा है, अंडरस्टैंड दैट, बट यू विल नो माई नेम सून. वो मेरे अंदर ऐसे था, आई थिंक दैट वॉज द ड्राइविंग फोर्स, सो दैट वॉज देयर. सो स्टडीज में यू डिड डिवोर्स लॉयर हो ना? नहीं नहीं, डिवोर्स लॉयर ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं. मैंने स्पेशल फाइनल ईयर में मैंने ऑप्ट किया था वुमेन लॉ और मेडिकल लॉ, इसलिए मुझे डॉक्टर से बड़ा प्यार है, मुझे डॉक्टर्स बड़े पसंद है. मेल फीमेल वैसा वाला प्यार है. हैंडसम डॉक्टर्स प्लीज 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 कृपया ध्यान दीजिए प्लीज ना. मुझे डॉक्टर, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स और म्यूजिशियंस दो बहुत ब्यूटीफुल हीलर्स होते हैं, और मुझे ये हीलर्स से ना मैं बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ अपने आप. Trauma bonding. No, but not in a joking way, but on a serious way. But हाँ, I love doctors and musicians. I mean, if I can get a combo, a guy who's a doctor and a musician, both. तो law. Law इसीलिए हुआ. मुझे करना था BMM. मुझे मिलानी admission. मुझे आये 74 12th में. यार और सारी colleges ने कहा कि हाँ, इसमें आपको BCom भी नहीं मिलेगा. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. फिर मेरे पापा ने कहा देख टाइम निकलता जा रहा है, बीकॉम की डिग्री लेने से कोई सेंस नहीं बनता, तो लॉ कर ले. माय फादर इज अ लॉयर, क्रिमिनल लॉयर एंड एस्ट्रोलॉजर बोथ, लाइक यू डू शुड डू लॉ. और मेरे सारे ऐसे ही, मैंने हर डिसीजन अपने ऐसे ही लेती हूँ, मैं वेरी ऑन स्पॉट पर्सन. तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. तो मैंने दे दी CET और फिर मैंने एडमिशन ले लिया, फिर 5 साल का लॉ कर लिया, फिर हो गया. तो मिमिक्री
उस वक्त बंद कर दी थी? नहीं नहीं, नेवर नेवर. आई वॉज डूइंग लॉ एज माई साइड चीज एंड दिस आई वॉज ऑल्सो साइमल्टेनियसली वर्किंग एज अ वीडियो जॉकी, वर्किंग ऑन माई यूट्यूब. मैंने मार्केटिंग में एक महीना जॉब करके ट्राई किया. मैंने कहा जॉब भी करके देख लेते हैं, वो भी हो रहा है कि मैंने कहा वो नहीं हो रहा मेरे से. फिर उसके बाद में इवेंट्स का काम किया एज अ कोऑर्डिनेटर. उसके बाद में होस्टिंग का काम किया बहुत सारा. फिर लगा कि नहीं यार, मज़ा तो सोशल मीडिया में आ रहा है. तो फाइनल ईयर ऑफ लॉ के करीब आई बिकेम लिटिल मोर सीरियस फॉर दिस सोशल मीडिया. एंड फिर मैंने थ्री इडियट्स जैसे अपने पापा को कहा कि जब मुझे कह रहे थे कि इंटर्नशिप, तो फिर मैं गई और मैं कहा कि मैंने आपको 5 साल दिए हैं, आप मुझे 2 साल दो और अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जो बोलोगे मैं कर दूंगी. आपका लॉ तो कर लिया और प्रैक्टिस ही करूंगी फिर तो. हाँ मतलब वही, सो ही वांटेड मी टू डू लाइक इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग, बट आई वाज लाइक इंटर्नशिप लाइक ही वाज लाइक कि नहीं, आई वांटेड टू डू इन क्रिमिनल फील्ड इन दिस एंड दैट, यू नो लाइक कि सभी लॉयर्स हैं तो एक वो होता है ना कि हाँ. तो मैंने कहा थोड़ा 2 साल दो, फिर 2 साल खुश हो गए हो. सो उन 2 साल में क्या किया? हाउ? जो देख रहे हो. नहीं नहीं, इसको शुरू कैसे किया था, मतलब द यूट्यूब, द दिस वाज स्टार्टेड इन 20 दिस माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज रिकॉर्डेड ऑन 29th फरवरी 2016. 8 इयर्स. भाई के फोन पे. व्हाट इज दिस रिसर्च? आई लव इट, आई लव दिस रिसर्च. उसमें भाई की आवाज भी थी. Oh my God! कि मेरा फोन दे दे, मेरा फोन दे दे. I love this research. You are the best. Yes, that happened. That was true. And being in a Marwadi family एक होता है ना, एक आपको लगता है घरवालों को लगता नहीं है, so internet पे मतलब. बड़ा ये तो ठीक है, काम क्या कर रही है? मतलब एक. हाँ वो तो मुझे आज भी है. वो तो मुझे क्योंकि अब तो वो कहते हैं कि नहीं, you are too much, you are working too much, like relax. अब मुझे इतना डेप्थ में वो फीड हो चुका है ना, मेरी टीम मुझे कहती है कि वेरी हार्ड वर्किंग और मुझे लगता है कि मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ. तो मेरे एवरीडे कॉल्स हर इंसान से ही होते हैं कि हाँ आई एम नॉट हार्ड वर्किंग इनफ, यू नो आई फील लाइक आई एम नॉट हार्ड वर्किंग इनफ. लाइक चांदनी, यू आर लिटरली वर्किंग एवरी डे, लाइक एवरी यू हैव टू टेक अ ब्रेक. मैं जैसलमेर में थी, मैं सोचा मैं ब्रेक लूंगी अभी, सही चिल करूंगी, कुछ नहीं करूंगी कुछ नहीं करूंगी. बट आई एंडेड अप शूटिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, लाइक ट्रैवल व्लॉग और इन अ डिफरेंट वे, जहाँ पे मैं फिरंगों के साथ में फ्लर्ट कर रही हूँ और उनको घूमर सिखा रही हूँ, वो भी आने वाला है वो सब. बड़ा मजा आया मुझे. बट या मीन एंड देन उसके बाद भी जब मैं वापस घर होटल आई और मैं बैठी, तो मुझे लगा यार कुछ काम नहीं हुआ यार आज. तो वो तो है, इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग इन अ वे, प्रो एंड कॉन बोथ. तो फर्स्ट वीडियो जब डाला तो वो कौन सा कैरेक्टर था, आलिया भट्ट वाला ही कैरेक्टर था जिससे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली? यस. तो कभी आलिया भट्ट का कुछ आया रिएक्शन या मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात तो पेंडिंग है. नहीं, मुलाकात पेंडिंग है. तो कभी कोशिश भी नहीं की आपने? मतलब मैं अब इतने कोलैप्स करते हो, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि आलिया भट्ट कहें कि कोलैब कर लो भाई आलिया भट्ट से? मतलब उससे अच्छा आलिया भट्ट के लिए प्रमोशन क्या होगा किसी फिल्म के लिए? आजकल तो क्रिएटर्स के साथ खूब कोलैब्स करते हैं. मैंने गंगूबाई के टाइम पे मैंने ट्राई किया था, वो हुआ नहीं. ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भी नहीं हुआ आई गेस. डार्लिंग्स के टाइम पे हमने वापस ट्राई किया था, दैट आल्सो डिडंट हैपन. यार अब इट विल हैपन आफ्टर दिस इंटरव्यू, आई एम श्योर. रणवीर से मिले? नहीं. मिलोगे तो क्या बोलोगे? Let's suppose सामने रणबीर कपूर आ जाते हैं. I don't know, I just keep looking at him. कुछ तो बोलना पड़ेगा ना. My husband has got his really beautiful lashes, long lashes. So I'll see my husband's lashes. Yeah, so I'll do that. And I'll just like look at him. Always wanted to marry Ranbir. So yeah, it's just like a dream come true now. मैं मिलूं अगर दोनों से, क्या बोलूं? बोलना कि चांदनी ने बोला है कि दोनों के साथ में स्क्रीन शेयर करनी है. दोनों के साथ में, एक साथ? एक साथ. और अगर खाली रणबीर के साथ हो जाए तो भी चलेगा? तो भी चलेगा. खाली आलिया के साथ हो जाए तो भी चलेगा. ठीक है, दिस मैसेज प्लीज. अरे मैं दे दूंगा. हाँ, ये वीडियो दिखा दूंगा ना उनको. प्लीज ये बता देना. ठीक है, डन. अच्छा, अब सिंस यू मिमिक, मतलब खूब सारी आप मिमिक्री करते हो. अरे मैं ना बहुत रैंडम लोगों की मिमिक्री करती हूं. मैं समझ गया. हां, तो
चैलेंज क्या लगता है अब कि नया क्या करना है, क्योंकि आज की डेट में इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मतलब बाढ़ आ रही है कंटेंट क्रिएटर्स की, कि मतलब हर गली से जो है लोग रहते हैं 10 और 15 कंटेंट क्रिएटर निकलेंगे। आई फील वेरी प्राउड, मुझे चैलेंज जैसा मुझे कभी थिंक मेरी किसी से भी बात होती है तो मैं यही कहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों के पास में एक वो जरिया है अपना टैलेंट बताने का। पहले कितनी लंबी लंबी लाइनों में लगते थे रियलिटी शो में, आता था नंबर नहीं आता था, टीआरपी पे चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज हर एक इंसान के फ़ोन में सोशल मीडिया है, एक फ्रीडम सी है कि आप अपना टैलेंट डाल सकते हो वहाँ पे और शोकेस कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स अ कम्युनिटी ग्रोथ एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट, वेरी प्राउड। तो अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? मजा आ रहा है उनको? अब नहीं बोलते बेटा कुछ और कर ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे कहते हैं वीडियो बना, अब तो अपने आप ही बोलते हैं कि हम शांत हो जाते हैं वीडियो बना ले। पहले तो मुझे करना पड़ता था, मैं अब अपने आप हो जाते हैं, हाँ बना बना ले। झगड़ा रोकने के लिए मैं कभी कभी करा दूँ ये ट्रिक, लाइक मम्मी को प्लीज अभी नहीं यार, प्लीज वीडियो बना ले प्लीज। अच्छा, जिन टीचर्स ने बचपन में मिमिक्री के लिए बुली किया था उनकी दोबारा मिमिक्री करके वीडियो बना? अरे यार क्या करा रहे हो यार, मत कराओ। बनाना चाहिए, मुझे याद ही नहीं है क्या, व्हाट वाज, यस आर यू मेंटल, कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, गो बैक। अभी ऐसी आवाज अगर आप सुनोगे रोज गुड मॉर्निंग के बदले, तो आई थिंक अगर वो टीचर सुन रही हैं तो इट्स एन अचीवमेंट कि भाई जिनको आपने जिस चीज के लिए कहीं ना कहीं बुली किया उसी चीज को आपने अपना शस्त्र बना लिया। शस्त्र बना लिया मतलब कमजोरी को ही ताकत बना, कमजोरी तो नहीं थी क्या जो उन्होंने कमजोरी समझी? समझी कहीं ना कहीं, बिल्कुल। इसीलिए आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीबॉडी कि देयर इज अ कोट आल्सो व्हिच इवन आलिया भट्ट टोल्ड कि शी आल्सो रेजोनेट्स विद दैट कोट, इट्स कॉल्ड द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। तो आप चुपचाप अपना काम करो, कुछ ऐसे किसी को ऐसे अपने आप देखने दो ना लोगों को। नहीं, मुझे लगता है जो आपने फेस किया आई थिंक बहुत सारे बच्चे ये फेस करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स करते हैं, हमारे स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चों के मुझे डीएम आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि यार चांदनी यू नो यू स्पोक अबाउट इट एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू स्पोक अबाउट इट, आई एम जस्ट हमने भी सेम चीज़ें और प्रिंसिपल और सुपरवाइजर ने और भी बहुत बच्चों को परेशान किया, मैं अकेली नहीं थी। एक बच्चा था जो सीरियल में काम करता था, उसको बेचारे को एकदम बॉयकॉट सा कर दिया था क्योंकि वो सीरियल में काम करता था। मुझे उसका टेक्स्ट वेक्स्ट आया था, लाइक व्हाट आर यू सेइंग, हाँ ब्रो। सो आई थिंक बहुत सारे बच्चे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, मतलब मेरा जो पर्पस है इसके पीछे वो ये है कि चिल्ड्रन शुड सी, देयर पेरेंट्स शुड सी। कई बार yes, हमारे पेरेंट्स को बस ये मेनली पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा आपके पास में ये कह आ रहा है, बता रहा है कोई भी चीज़, तो सबसे पहले तो बी पेशेंट एंड जस्ट लिसन एंड देन जस्ट टेक योर किड टू अ साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सी यू नो कि ज़बरदस्ती आपको कोई पकड़ के गोली नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपके ऑफकोर्स आपको पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको ज़रूरत है नहीं है, बट प्लीज़ आप जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लीजिए। अच्छा, जब पॉपुलैरिटी बढ़ी इंस्टाग्राम पे डीएम और प्रपोजल्स कितने बढ़े? फॉर सम रीजन मुझे नहीं लगता लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे डीएम से फ्लड हो चुके हैं एकदम, मतलब शी इज सेइंग यस 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 यस, आई थिंक आई एम द वन हु 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 डीएम्स, सामने वाला डजंट डीएम मी। आप किसको डीएम करते हो? मैं किसको करती हूं? मैं किसी को नहीं करती। आई कांट टेल यू एट ऑल नाउ जो हूं। अरे नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ एक्ट्रेस को करते हो, दोस्तों को करते हो, या कोई रैंडम लौंडा पसंद आ जाता है उसको करते हो? अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है ना कि मुझे किसको, टीम को डीएम करते हो? टीम को तो व्हाट्सएप करो। नहीं नहीं यार, मुझे ना फिरंग बंदे पसंद आते हैं उनको। ओ ये बात, तो आपके डीएम वहां जा रहे हैं? ओके, मतलब जोशुआ करके एक फॉरेन का क्रिएटर, लंदन का है, तो मैं हमेशा उसके कमेंट्स में भी उसको कहती हूँ, ओ आई मेट अ लंदन बॉय, मिली नहीं उसको उसके पहले, ओ आई मेट अ लंदन बॉय। बड़ा हैंडसम सा, बड़ा क्यूट सा है वो, 23 साल का ही है वो भी। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। मतलब आप भी 23 के हो? मैं 24 की हूँ, वो भी 24 का है। लड़कियों की एज नहीं पूछते लेकिन अब आपने? नहीं, आई एम फाइन, आई एम 24।
कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला? बताइए ना। मतलब उन्होंने लेटर्स काफी सारे भेजे थे ऑफिस में। खून वून से लेटर थे? नहीं नहीं, खून वाले नहीं थे यार, प्लीज ऐसे मत बोलो। और उसमें लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर ही आते जा रहे थे वो। सीमन ने कहा हाँ, तो आई वाज लाइक अरे यार अभी क्या करना है इसका। मैं पूछ रही थी इन लोगों, मैंने कहा इसका क्या करना, ये लोग मुझे कह रहे थे पढ़ लो। मैंने कहा वो तो पढ़ लिए, मतलब करना क्या, मतलब करना कुछ नहीं, डोंट रिप्लाई टू हिज डीएम, दैट्स इट। हमने कहा ओके चल ठीक है। तो क्या लिख क्या रहा था वो? बस तारीफों पे तारीफें किए जा रहा था यार। मैंने कहा इतनी तारीफ, इतनी तो मैं अच्छी हूँ भी नहीं, इतनी तारीफ कर रहा है। हाँ और नहीं तो क्या, यार इतनी तारीफ से मेरी किसी ने नहीं करी। तो अच्छा अभी रिश्तेदार पूछते हैं मम्मी पापा से? अरे मेरे को बहुत रिश्ते आ रहे हैं। अरे रिश्ते नहीं, अच्छा। रिश्ते तो आ ही रहे हैं कि कितने पैसे कमाती है, कॉमन सवाल होता है। रिश्तेदारों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, लेकिन रिश्तेदारों को बहुत इंटरेस्ट होता है। बट आई मीन हमारा जो भी, मुझे कोई भी मुझे पूछे या मम्मी को पूछे पापा को पूछे, हमारा बस एक ही सेंटेंस में आंसर होता है, बस चलती दाल बाटी दाल रोटी। यू थॉट दम दिस इज ओनली आंसर यू कैन गिव अभी व्हाट? बट पीपल आस्क, ऑफ कोर्स पीपल वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू ना, दैट्स ओके, दैट्स व्हाई यू आर फेमस ना, दैट्स अ गुड थिंग, पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ, दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसलिए तो मैं यहां बैठी हूं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं खुश नसीब हूं। नहीं नहीं मैं खुश नसीब हूं कि मतलब आप बोल दीजिए। हां हां अच्छा बिग बॉस, बिग बॉस में जाने का नहीं सोचा कभी? नहीं जा सकते हो, मतलब कुछ लगता मैं खुद का ही बिग बॉस चालू कर सकते हो, आप ये सोचो ना मैं। बट नहीं कि आपको पता है, मैं जब होम अलोन, व्हेनेवर आई एम होम अलोन, आई कांट, तो आई कांट डील विद साइलेंस, ठीक है। इधर आई तो म्यूजिक इट्स कॉन्स्टेंट, लाइक आई नीड म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। दूसरा आई कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ इन डिफरेंट वॉइसेज, आई फील लाइक मैंने अलग अलग कैरेक्टर को खड़ा करके मैं खुद ही बात करती रहती हूँ। जैसे कैन यू थोड़ा सा बता सकते हो? अभी जैसे मैं रिसेंटली आई वाज फॉरेन के बच्चों से, मुझे बड़ा ऑब्सेशन है, तो मैं उनकी कर रही थी अभी रिसेंटली, मम्मा गई थी बाहर, तो हम से बाय पीपल, नो नो हम से बाय पीपल, गो अवे बाय पीपल, हु ड्रॉप्ड द हैमस्टर? इलियाना, शी ड्रॉप्ड द हैमस्टर? नो आई डिडंट ड्रॉप द हैमस्टर, आई डिडंट ड्रॉप द हैमस्टर, इट बाय पीपल, इट बाय पीपल, हु ड्रॉप्ड द? Sorry, my daddy, my it fell down. I didn't drop it. So I do this. Then फिर randomly कभी ऐसे ही कुछ भी, कोई भी accent मैं पकड़ लूँगी, उठा लूँगी, कहीं किसी की आवाज़ उठा ली, पसंद आ गई उठा ली, at stretch बात करते रहेंगे। आपका खुद का favorite character कौन सा, जिसकी mimicry आप करते हो? मेरा favorite? खुद का favorite, हाँ, कि which you enjoy कि ये मतलब मारवाड़ी बहू, बहू भी नहीं, मतलब एक एक और कैरेक्टर है, मतलब मैंने उसको भी निकाला, रिलीज नहीं किया, इट्स अ वेरी लाइक यू नो दैट इनर आंटी, दैट इट्स मी बेसिकली, आई हैव दैट इनर आंटी इन मी, ओके। हाँ एक मारवाड़ी कैरेक्टर है वो, मारवाड़ी बहू निकालोगे? तो उसमें वो ऐसे ऐसे करती है वो कि नहीं नहीं गलत है ना, हमको क्यों नहीं बुलाया तो होली में, हमको होली भाई साहब आप मानेंगे नहीं, चार जन का इनको खाना भारी पड़ गया, हमको बुला नहीं सकते थे, अरे होली का छोड़ो, इन तो शादी में ही नहीं बुला, व्हाट्सएप में कार्ड भेज दिया भाई साहब, व्हाट्सएप में कौन भेजता है, कौन करता है ये, रिश्ते निपते नहीं, निभाने पड़ते, पड़ते हैं निभाने, इन्होंने नहीं निभाए। अच्छा आपका खुद का फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट कौन है? जय विजय सचान माय फेवरेट, फॉरएवर फेवरेट। एंड फेवरेट क्रिएटर? वाज माय फेवरेट क्रिएटर, मैं अपनी फेवरेट हूं। नहीं ऐसे नहीं होगा यार, फिर मेरे को सारी, एक तो मुझे फीमेल क्रिएटर कम्युनिटी पे बहुत ही प्राउड है, धारणा है, खुशा है, अंकिता है, सलोनी है, फिर सुकु है, फिर सारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ कोर्स आर माय फेवरेट, देन आई आल्सो लव अंकुश, अंकुश इज़ वेरी फनी, डॉली, शिबानी, और मैं एक हाथ कुछ मिस कर दिया तो मुझे मार पड़ेगी फिर। हो गया। अच्छा मैं YouTube ही खोल लेता ना, टॉप टॉप क्रिएटर्स ऑफ इंडिया,
तो मतलब सबके नाम आ जाते। अच्छा, अब इंटरव्यू की ओपनिंग आपने मुझसे करवाई थी, एंडिंग आप करोगे, क्लोजिंग आप करोगे। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स मी अमित बोल रही हूँ मैं, दैट्स मी अमित, दैट्स चांदनी, दैट्स मी चांदनी एंड दैट्स अमित। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू एबीपी लाइव, कीप ऑन वॉचिंग। लगता था ये एक नॉर्म है जो सब फॉलो कर रहे थे, कि सुपर वुमेन और वहाँ के और सारे क्रिएटर्स थे जिन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया था, तो और उन्होंने कुछ ऐसे ही कूल लगने के लिए एक अपना यूजर नेम अलग ही रख दिया, जो इंडिया में भी मुझसे पहले जो क्रिएटर्स थे उन्होंने भी वैसा ही किया था। तो आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ द वे इट हैज़ टू बी। तब मैंने कूल दिखने के चक्कर में कैप्टन निक रख दिया। अच्छा, रखा तो वही था ना, कैप्टन निक शुरू में यही रखा था ना? शुरू में एक्चुअली सिकोमेडियन रखा था, जिसका कोई अर्थ नहीं है। सिक कॉमेडियन यही, बस इसी को मर्ज करके रख दिया, जो खुद दो दिन मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने चेंज कर दिया। तीसरे दिन कैप्टन निक, कैप्टन दिमाग में ऐसा आया कैप्टन निक। निहारिका का निक निक करते थे जैसे बॉम्बे कॉलेज है ना, तो कुछ ऐसे कूल किड्स निक विक बोलते थे, दैट वाज लाइक दैट हैज अ रिंग टू इट, लाइक इट हैज सम नाइस साउंड टू इट, सो आई वेंट विद द निक। और कैप्टन निक तो वो ऑब्वियसली कैप्टन जैक स्पैरो, ये वो करते करते तो मेरे भाई ने भी सजेस्ट किया, एंड देन एविएशन से मुझे थोड़ा हमेशा से लगाव रहा है, वाज लाइक ओके वी कैन मेक अ नाइस कैरेक्टर आउट ऑफ इट, कैप्टन निक है तो ऐसा वैसा। फिर वो जो इंट्रो है जो मेरे यूट्यूब पे लिखा हुआ है, तो वो सब मेरे भाई ने पूरा मुझे लिख के दिया, इट जस्ट टर्न आउट सो फैंटास्टिक, आई वाज लाइक आई विल गो विद दिस ओनली। अच्छा, डब स्मैश पे भी कुछ आपने शुरू में वीडियो बनाए थे? हाँ, स्टार्टिंग डब स्मैश से हुई थी वीडियोस बनाने की, यूट्यूब से पहले, बिकॉज वो ऐप इतना पॉपुलर हो गया था बिकॉज ऑफ गौरव गेरा वाला, तो बहुत मज़ा आता था वो ऐप पे करने। तो यूट्यूब का फर्स्ट ट्रायल वीडियो मेरा वही था, मैंने बोला कि ये कैसे काम करता है मुझे नहीं पता था। ऑल दो वेन आई वॉज स्टार्टिंग इन कॉलेज, लाइक मेरे मास्टर्स के लिए हमें शॉर्ट मूवीज बना के प्रोफेसर्स को सबमिट करनी होती थी, तो उनको सीडी तो आपको देना ही है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉपी मतलब एक लिंक भी आपको शेयर करना होता है गूगल पे। तो उन्होंने बोला था कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और उस पर ये मूवी अपलोड करो, कीप इट प्राइवेट ओनली, लाइक यू डोंट हैव टू मेक योर चैनल पब्लिक, यू पोस्ट दैट वीडियो एंड देन यू शेयर द लिंक, जो हमारा जीमेल का ग्रुप होता था प्रोफेसर का, तो वो तो किया ही था। तो वही चैनल को मैंने रीनेम करके वो इसके लिए जब आप देखोगे ना, तो वहां पे दिखाई देगा कि इज लाइक निहारिका सिंह जॉइंड इन विच ईयर, दैट वाज माय, हां वो तो दिखाता है, बट दैट वाज दैट्स नॉट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, वो उस प्रोजेक्ट का वो ईयर दिखाता है, विच इज व्हेन आई मेड माय चैनल। गॉट, तो सक्सेस कब मिली? एक साल बाद, जैसे आप डब स्मैश वाली बात बोल रहे हैं ना, वो मुझे ट्राई करना था कि पब्लिक कैसे जाता है, लोग कमेंट कैसे करते हैं, बिकॉज जो शॉर्ट फिल्म डाली थी उस पर कोई कमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिकॉज वो तो कॉलेज रिलेटेड स्टडी रिलेटेड था। तो ये ट्रायल बेसिस पे मैंने डब स्मैश को पूरा ऐसे फ्यूज करके डाल दिया, एंड देन आई शेयर द लिंक विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड दे स्टार्टेड कमेंटिंग एंड ऑल, आई वाज लाइक ओके सो दिस इज अ प्रोसीजर, बट आई नेवर डिलीटेड इट बिकॉज लाइक अच्छा ही तो है, बुरा क्या है इसमें। तो वो करते करते आई गेस सेकेंड और थर्ड वीडियो वॉज लाइक द प्रॉपर वीडियो विच आई मेड, एंड उसके बाद एक साल का स्ट्रगल, उसके बाद अचानक से बूम। एक साल जो रहा वो टफ था, बहुत ज्यादा, आपको पता ही नहीं था उस वक्त, यूट्यूब नया था कि भाई सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, दीवार में माथा फोड़ रहा, क्योंकि अभी तो क्या है कि अभी तो बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स आ गए, राइट, ठीक है, यू कैन हैव अ पीआर, यू कैन हैव डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन परचेज व्यूज, बहुत कुछ है,
बट उस वक्त तो इट्स लाइक कि आप क्या कर रहे हो, मुझे लगता है घर वालों को भी लगता होगा बेटा तू क्या कर रहा है, तू ठीक तो है, तेरा मेंटल बैलेंस तो ठीक है, तो वो फेस कैसे काटा? फर्स्ट फ्यू वीडियोस तक तो मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि अभी भी कॉलेज प्रोजेक्ट ही बना रही है. अच्छा. बिकॉज BMM कर रहे हैं ऑब्वियसली, हमें काफ़ी सारी शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बनानी होती थी तो हम कैमरा लेके घूमते रहते थे. हमने कई सारी शॉर्ट मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज ये सब कॉलेज के टाइम पे ही बनाई हैं तो उनको वो ऑकवर्ड नहीं लगा मेरे केस में, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डेल्ट विथ कैमरा एंड शूटिंग एंड दिस एंड दैट. तो मैं शुरू में जब वो नहीं पूछ रहे तो मैंने भी नहीं बताया. फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने पूछा कि मतलब जॉब रिलेटेड क्या अब, बिकॉज मैंने उनको ऐसे बोल दिया था एंड मैंने एग्ज़ाम भी दी थी. आई वॉज लाइक मैं प्रोफेसर बन जाती हूँ अब हो गया सब कुछ. लेकिन उनको सिर्फ शांत कराने का, तो SAT करके आई गेस कोई एग्जाम होती है, इफ आई एम रॉन्ग देन रियली सॉरी, SAT करके होती है, तो उसके लिए भी अपील हुई थी. ऑब्वियसली आई डिड नॉट क्लियर इट बिकॉज मुझे देनी ही नहीं थी इन द वेरी फर्स्ट प्लेस और मैंने उसकी कोई प्रेपरेशन भी नहीं की थी. एंड आई वॉज नॉट इवन हैप्पी, सैड, नथिंग, नो फीलिंग्स रिगार्डिंग दैट एग्जाम. वो बस अटेम्प्ट किया, क्लियर नहीं हुआ, एंड आई वॉज लाइक ओके. तो जब पेरेंट्स को बताया एंड ऑब्वियसली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, वॉट काइंड ऑफ प्रोफेशन इज दिस. मतलब पैसे को लेके कुछ ये नहीं था, बट इट्स जस्ट दैट आप ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए कि रिश्तेदारों को बोल सके कि हाँ हमारी बेटी बैंक में जॉब करती है या डॉक्टर है, CA है, जो भी है. तो मेरे लिए वो ना टू बोलते ना टू बाय सम टाइम फॉर माई सेल्फ, दैट वॉज अ मोस्ट डिफिकल्ट टाइम बिकॉज माई ब्रदर यूज टू बी लाइक यू डू दिस, इट्स ओके, वी आर नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप, बट उसके साथ साथ डू सम रियल वर्क. That real work, no, that used to pinch a lot. कि मैं तो really कर रही. हाँ, it's like real है, but उनको समझा भी नहीं सकते. मेरे मतलब like काम कर रही हूँ लेकिन ऑफिस कहाँ है, YouTube का ऑफिस कहाँ है, तो owner कौन है, boss कौन है, because that's how the system is. I was like यार अभी तो इतना मुझे भी नहीं पता है, but ऑफिस है इनका. तब इनका वो YouTube space हुआ करता था गोरेगांव में, तो मैंने बोला है ये ऑफिस है, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, हमको अभी वर्क फ्रॉम होम है फिलहाल. पहली होंगी आपको जिसने, जिसको YouTube ने वर्क फ्रॉम होम दिया. तो देयर वाज लाइक बट वहां पे जाके शूट करना चाहिए, ऐसा है तो पैसे कब आएंगे, सैलरी क्या होगी. आई वाज लाइक रुको जरा, सबर करो, सब पता चल जाएगा, जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं भी बता दूंगी. तो वो एक साल टू आंसर दैट क्वेश्चंस एंड खुद को भी वो फील होता था ना कि इट्स लाइक कब होगा यार, कब मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, कब व्यूज मतलब आने लगेंगे जिस हिसाब से आने चाहिए. So that was very difficult. मतलब वो daily उस motivation से उठ के video बनाना कि नहीं this video will work for me, this video will work for me, ये video से बाहर होगी, फिर वो finally हो गई. पहली जो कमाई आई थी कितनी आई थी? I think कुछ 65,000 ऐसी कुछ थी. 65,000. तो घर वाले खुश थे? अरे बहुत खुश हो गए ना. तो मतलब धंधे गाड़ दी. उसमें भी मैंने सीधा 30,000 उड़ा दिया पहले ही. आपने बौखलाना नहीं है. गुड. बट मैंने बोला यार बट मैं काफी मतलब मुझे 2-3 साल हो गए. मतलब ऐसा होता है ना, आप कॉलेज से निकले ना, आपको पहले प्लेसमेंट होनी चाहिए फिर आप कॉलेज से निकलते हो. बिकॉज दैट इज हैपेंड विद माय ब्रदर. कॉलेज छोड़ने से पहले उसके हाथ में जॉब थी, बट मेरे सिचुएशन में ऐसा था ही नहीं. सो आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी वेन दिस हैपेंड. एंड ऑब्वियसली मेरी सैलरी मेरे भाई के सैलरी से ज़्यादा थी, द फर्स्ट सैलरी कंपेयर करें अगर तो. और मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, एक्सेप्ट फॉर मुझे खुद के खर्चे उठाने चाहिए और घर में तब सपोर्ट करना चाहिए. तो मैं बोला ओके, ये सबक अच्छा था, सीखा हमने. तो अब क्या प्रोसेस रहता है व्हेन यू मेक वीडियोस, बिकॉज यू मेड लॉट ऑफ वीडियोस, यू आर क्वाइट फेमस, यू हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स यूट्यूब इंस्टाग्राम सारे प्लेटफॉर्म्स पे. सो अब जब कंटेंट क्रिएट करते हो तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा रहती है कि यार मतलब क्योंकि इतने क्रिएटर्स हो गए. जब आपने शुरू किया था तब शायद मुझे लगता है बहुत गिनती के क्रिएटर्स होंगे, आज तो मतलब हर पानवाला भी है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, मतलब एवरीवन इज व्लॉगिंग एंड यू नो क्रिंज कंटेंट इतना है कि मतलब कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता इंस्टाग्राम पे ये सिंधु लगा रहा है अपनी बेबी को दो फ्लाइट में बैठ के, मतलब वो मतलब आई मीन कुछ भी चल रहा है एंड यू नो द नंबर ऑफ व्यूज दे आर गेटिंग. आपको लगता है भाई
हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, यही कर लो। तो अभी क्या प्रोसेस रहता है कॉन्टेंट क्रिएट करने का? मुझे ऑनेस्टली कभी लगा नहीं कि दो चीज होती है व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट, और आपको पता है कि उनको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, एंगेजमेंट उनकी इज फार बेटर देन योर एंगेजमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली वो चीज ही वैसी बना रहे हैं। तो इसमें तो दो चीज मुझे फील होती है हर बार, या तो मैं उस लेवल पे जाऊं और वो चीज करने लगूं सो दैट इवन आई कैन हैव द सेम एंगेजमेंट, या फिर अगर मुझे सच में वो इतना बुरा लगता है, क्रिंज लगता है, मैं मुंह बनाती हूँ अकेले में, तो मैं चुपचाप अपनी डिग्निटी पकड़ के जो मैं कर रही हूँ वही करते रहूँ, क्वालिटी पे फोकस करूँ। तो ये तो बस खुद को बैठ के समझाना है कि या तो वो या तो ये, एक ही चीज मिल सकती है। सो ऑब्वियसली वी हैव प्रेफर्ड द क्वालिटी। सो लोग पूछते हैं कितने पैसे कमा लेते हो? इनिशियली लोगों के दिमाग में ये होता है, बट टच वुड हैव बीन सराउंडेड विद पीपल जिनको शायद ये एटिकेट्स है कि किसी को उसकी ये सैलरी ये सब नहीं पूछना चाहिए। नहीं नहीं, रिश्तेदारों में नॉर्मली नहीं एक होता ना कि आई थिंक मेरे वीडियोस के थ्रू ना, बिकॉज रिलेटिव्स पे इतने बना दिए हैं, वो सबको इनडायरेक्टली एक मैसेज ऐसे चला ही गया है, या तो वो बोल देंगे कि भाई बदतमीज है, या तो डिग्निटी है भाई, नई उंगली करना है। अच्छा, क्रेजी फैन मोमेंट हुआ? बहुत सारे। मुझे कुछ एक आधा कुछ बताइए ना, जब मतलब आप भी हैरान रह गए हो कि भाई। एक हमने एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट किया था, तो वो लड़की भिवंडी से आई थी, विच इज़ वेरी फार, एंड ये मीट एंड ग्रीट भी थाने में नहीं था, दूसरे जगह पे था, इन लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड वसई, जहाँ पे मैं पहले रहती थी। तो इट वॉज़ वेरी स्पेशल फॉर मी टू कंडक्ट अ स्मॉल मीट एंड ग्रीट वहाँ पे वसई में, जहाँ पे मैं बड़ी पली बड़ी, मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स और फैंस वहाँ से आए थे। ये भिवंडी से आई वहाँ पे, वो भी बाइक पे बैठ के एकदम कुछ स्पेशल ऐसे वो सब लेके। ऐसा नहीं है जो लोग वहाँ पे थे वो स्पेशल नहीं है, वो भी काफ़ी, जिसको मतलब एक लड़की थी जिसको मेरे वीडियोस के थ्रू पता चला कि मुझे झुमके बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए झुमके वगैरह लेके आई थी। तो दोज मोमेंट्स आर ऑब्वियसली वेरी स्पेशल, बट हर कमिंग सो फार वॉज लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और इससे मुझे भी याद आ रहा है, मैं उत्तराखंड गई थी, नहीं ऋषिकेश, उत्तराखंड तो मैं 22 में गई थी, मैं ऋषिकेश गई थी, एंड वहाँ पे मैंने ऐसे स्टोरी डाल दी थी कि हम सो एंड सो कैफे में रहेंगे, इफ़ यू गाइज आर अराउंड आना, मिलेंगे, चिल करेंगे, कॉफ़ी वॉफी पियेंगे। तो एक लड़की थी, वो काफ़ी टाइम से वॉज लाइक आप इधर ही रहोगे ना मैं आऊँगी, आप इधर ही रहोगे ना मैं आऊँगी। मैं वहाँ पे कोई ना एक मेडिकल कॉलेज है विच इज़ वेरी फेमस, आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट नेम, तो वो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, तो आई वॉज लाइक हाँ हाँ हूँ मैं हूँ। उसको आने में थोड़ी लेट हो गई, और वो आई, तो देन शी वाज लाइक ये मेरी बड़ी बहन है, मुझे आने ही नहीं दे रही थी, शी वाज वेरी स्केयर्ड फॉर माय हेल्थ एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक मतलब ओके शायद शी मस्ट बी इल। लेटर आई गॉट टू नो कि उसका ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हुआ था एक हफ्ते पहले, एंड शी वाज आस्क्ड टू नॉट मूव, लाइक वो बेड रेस्ट पे थी। मतलब तू पागल है, तू मुझे बुला दे, आई स्वेयर आई वुड हैव कम, ये नहीं करना चाहिए था यार। वो उसकी बहन, उसके दो फ्रेंड्स जो एंड मतलब स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली सबके पास कार नहीं है, बट समहाउ दे गॉट इन टच विद वन ऑफ द गाय फ्रेंड्स जिसकी खुद की कार थी, ही ऑल्सो अग्रीड कि चल आई विल ड्राइव यू डाउन। कुछ एक डेढ़ घंटे का ड्राइव है वहाँ से जहाँ जिस कैफे में हम थे, और उसकी बेस्ट फ्रेंड, तो ये पांच लोग आए थे एक कार में मिलने। ऐसे ये नहीं करना चाहिए था यार, ऑपरेशन हो के एक हफ्ते में, वाई आर यू डूइंग दिस? मतलब फिर ऐसा रियलाइज होता ना कि तो बोल रही थी आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक रिकवरी के टाइम पे आई एम वॉचिंग योर वीडियोज, बिकॉज मुझे बोला गया था कि मतलब सैड नहीं रहना है, ये नहीं होना है। आई वाज लाइक बॉय ये नहीं करना चाहिए था यार। और उसकी बहन भी मुझे बोल रही थी लाइक आप मानोगे नहीं, मैं बोल रही थी कौन निहारिका, पागल है क्या तू, कहीं मिलने नहीं जाना है, मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, बट ये इतनी पागल है। आई वाज लाइक शिट, कुछ बहुत अच्छा किया है। दैट्स व्हाट यू अर्न ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स लाइक आई एम सो हैप्पी। आई एम श्योर जो आप बोल रहे हैं पान वाले, उन सबके साथ शायद ऐसा ना हुआ हो, मतलब ये वाली रिस्पेक्ट कि कोई अपने पोस्ट सर्जरी जहाँ पे उसको आराम करना चाहिए वो ऐसे भाग के आएगा मिलने के लिए, एंड शी इज कॉलिंग अगेन एंड आई वाज लाइक प्लीज आप रहना वहाँ पे, रहना वहाँ पे। आई वाज लाइक डोंट वरी आई एम नॉट मूविंग, जस्ट कम, इट्स ओके, आई विल बी हियर। आई वाज लाइक दैट्स सो वंडरफुल। अच्छा, एक आजकल सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, ट्रोलिंग इज यू नो बिग थिंग, मतलब यू नो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना अच्छा कंटेंट बना लीजिए, कितना बुरा कंटेंट बना लीजिए, इट विल हैपन। हाउ यू डील विद इट, और मेंटल हेल्थ को किस तरीके से यू कीप इट गुड? मैं आपको सच बोलूं, देयर इज नो सच थिंग
एज डीलिंग व्हेन इट कम्स टू ट्रोल. कोई कितना भी यू नो मतलब स्ट्रांग हो मेंटल पोजीशन पे, अफेक्ट होता है, होता है ना, वो मोमेंट के लिए हो, वन आवर के लिए हो, वन डे के लिए हो, डिपेंड्स. लेकिन फॉर नो गुड रीजन इफ समवन इज जस्ट ट्राइंग टू यू नो पुल योर लेग और मेस अप योर केस, आप सिर्फ वंडर करते रहते हो कि ऐसा भी क्या है. आप जेन्युइनली कुछ उस इंटेंशन से ही कर रहे हो तो आपको आप वो ट्रोल एंजॉय करोगे. अगर मुझे पता है ना कि हाँ मुझे क्लाउड के लिए करना है, मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ किसी के खिलाफ कि मतलब कमेंट्स ही कमेंट्स आएगा, या जैसे उसको पता है वो ऐसे फ्लाइट में सिंदूर भर रहा है, कोई कोई करेगा, मैंने तो लाइफ में नहीं, मैं करूँगी ही नहीं, तो उस इंटेंशन से कोई कर रहा है उसको बुरा नहीं लगेगा. लेकिन आपका इंटेंशन ही नहीं है किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी किसी इंसान को जैसे या किसी जॉनर को, किसी को भी हर्ट करने का, लेकिन फिर भी लोग उसका गलत मतलब निकाल के अगर आपको यू नो बैश करना शुरू कर दें, इट इज़ गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. सो हाउ यू डील विद इट? आई डोंट डील. वो कुछ टाइम के लिए मुझे बुरा लगता है, फिर मैं ना जाके ऐसे पूरा कॉमेंट लिखती हूँ, एक दो भेज देती हूँ, और फिर जब उस पर रिप्लाई आता है ना, दैट इज़ द रियलिटी चेक, तब आपको समझ में आता है कि कोई फायदा ही नहीं है इनसे बहस करने का. दैट इज़ वेन यू लीव, दैट इज़ वेन यू डोंट ओपन योर ऐप फॉर नेक्स्ट वन डे और टू डे, जितना भी टाइम आपको लगता है कूल डाउन होने में, या ये समझने में कि ये सिर्फ एक दिन का मामला है, ये सच में ये ऐसे ये रोज़ सबके साथ हो रहा है, ये एक दिन में ना सब ऐसे वैनिश हो जाएगा, दैट इज़ इट. तो ये रियलिटी चेक मिल जाता है बस. अच्छा, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? मतलब मुझे ना फूड रिलेटेड बहुत मज़ा आता है कंटेंट देखने में, तो ये सारे जो कविताज किचन है, फूड लैब एक है, और भरत्स किचन है, ये सबको देखने में मुझे बिग टाइम, नो वंडर आई कांट लूज वेट इजीली. तो ये फूड चैनल देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और डांस वीडियोज. ओके, हाँ ये दो जॉनर मेरे जॉनर को छोड़ के अगर आप बोलेंगे, ये दो जॉनर. यू लव डांस? I love dancing, but वो professional ऐसा नहीं. आप बारात बारात में नाच लेंगे अच्छे से और यहाँ पे गणपति विसर्जन बहुत famous है, तो वो कर लेंगे. विसर्जन में तो खैर मतलब मुझे लगता है हर मुंबईकर जो है वो, या महाराष्ट्रियन जो है, या कोई भी होता है, मतलब उसमें तो मैंने देखा है कि अच्छा. वैसे you watch movies, OTT, you समाज में इज्जत बचाने के लिए इतना छीछा हो गया, अब देख ही लेते हैं यार, तो वैसी चीजें पीयर प्रेशर में देख लेते हैं. अदरवाइज कोई चीज आप ही वेट कर रहे हैं कि काफी टाइम से लाइक नहीं आ रही, देखनी 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 है, तो वो आप देखते हो. तो हाँ, टाइम तो निकाल के तो अभी आगे द कंटेंट व्हिच यू आर क्रिएटिंग. हाँ जी, अभी इसी लाइन पे कैप्टन निक चल रहे हैं या फिर कुछ और भी प्लान है? मेरे कंटेंट में वैसे भी एक शिफ्ट आ चुका है, लाइक स्टार्टिंग से. एक आपने मतलब क्वेश्चन पूछा था, उसका सिर्फ एक फ्लेवर था वो उस क्वेश्चन का, कि पहले वीडियोज बनाते थे और अब बनाते थे उसमें क्या डिफरेंस है. तो पहले ना इतना सोचते नहीं थे, जो मन में आता था जैसे ही कॉमेडी वैसे कर देते थे, जिसमें लोग ऑफेंड होते थे काफी, होते 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 दिमाग में आ गया. नाउ व्हेन यू राइट योर स्क्रिप्ट और इवन व्हेन यू आर आइडिएटिंग, आपको पता होता है कि हाँ ये वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ये चीज़ें नहीं बोलनी है, बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया है. तो आप बहुत कैलकुलेटेड कॉन्टेंट रखने लगे हो, फिर लोग बोलते हैं कि अरे आप चेंज हो गए हो, पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा है. बट प्रॉब्लम वही है, पहले ना पता नहीं होता है, तो आप एकदम ऐसे वो छोटा बच्चा होता है ना, जहाँ वहाँ भागते रहता है, धप धूप लगता है, लेकिन उसको बहुत मज़ा आ रहा है. फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ भागो मत, यहाँ चोट लग जाएगी, वहाँ मत भागो, पैर में लग जाएगा, चुपचाप बैठो. तब वो बच्चा जब तमीज़दार हो गया तो लोग बोलते हैं पहले कितना मस्ती कर रहा था, अब बड़ा शांत हो गया है, तो फिर ऐसे हो गया है. लेकिन फिर भी जो मेरा इंटेंशन रहा है वीडियो बनाने का, लाइक कॉमेडी है लेकिन एंड में मुझे एक अच्छा सोशल मैसेज देना होता है, तो वो मैं सोचती हूँ कि वो कभी मिस ना हो मेरे वीडियो से. मतलब कोई कोई वीडियो से जिनमें कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में जाके नहीं, वो प्रियदर्शन वाली मूवीज लाइक एंड में सब भाग रहे हैं, मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा किसी शादी में किसी घर में इतना भागते हुए, लेकिन वो देख के इतना मजा आता है. हाउसफुल देख लीजिए यार, सब मतलब हाउसफुल करना है उनको एंड में, बस वो माला माल वीकली हो गई, हलचल और ये सब मूवीज, या दैट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी इवन आई एंजॉय थॉरली, बहुत मजा आता है. तो ऑडियंस ना वैसी होती है, कोई कोई ऑडियंस जिनको ऐसा थोड़े मैच्योर कंटेंट अच्छा लगता है उनको हर चीज़ से रिलेट करना होता है, और कोई कोई होते हैं जो जब आप उनको ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कुछ भी एग्जैजरेटेड कॉमेडी डाल दो ना, तो उनको नहीं समझ में आता है.
तो वो थोड़ा बैलेंस करने में ऐसा लगता है, बट देन एंड ऑफ द डे इट्स योर चैनल, यू आर द क्रिएटर, एंड आपने कॉर्पोरेट छोड़ के ये इसीलिए चूज किया ताकि आप क्रिएटिवली इंडिपेंडेंट हो सकें और अपने मन चाह कॉन्टेंट डाल सकें. मतलब इसके अलावा अभी कोई म्यूजिक वीडियो, कोई OTT, कोई ऐसा कुछ फिलहाल इरादा? म्यूजिक वीडियो में आपको बोलूं, अगर मैं म्यूजिक वीडियो करूंगी ना तो मैं उसमें सिर्फ फीचर ऐसे लिपसिंग करते करते होंगी, मैं गा नहीं सकती. ऑब्वियसली कैसे भी, मतलब नहीं तो कितने कंटेंट क्रिएटर्स तो गा चुके हैं ना, भले नहीं गाना आता हो फिर आजकल तो ऑटो ट्यून है मतलब. हां तो मैं वो भी नहीं करूंगी. नहीं करेंगे अभी फिलहाल, कंटेंट पे ही, कंटेंट पे ही ध्यान देना है और थोड़ा शॉर्ट मूवीज के टुवर्ड्स शिफ्ट होना है धीरे धीरे. मतलब कंटेंट अपना चलता रहेगा, छोटे वीडियोस अपने जगह पे, शॉर्ट मूवीज फॉर योर चैनल ओनली इनिशियली तो हाँ, जब हमारे पास हम खुद का ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं तो आई वुड बी सेल इट टू, लेकिन इन फ्यूचर ऑब्वियसली फाइनेंशियली अगर आप सोचें तो हु वुड वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ लॉस. तो पिच करने में कोई बुराई नहीं है, देर इज नथिंग बैड इन डूइंग दैट. अगर नसीब अच्छी रही, किसी ने पिक कर लिया, देन नथिंग लाइक इट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फ्री में तो है ही. आई होप सो यू क्रिएट मोर कॉन्टेंट, मोर शॉर्ट मूवीज, उसके बाद देखते हैं म्यूजिक वीडियोस में लिपसिंग करते हो या क्या करते हो. बट वो मन नहीं करता, पता नहीं है, जिसका मन ना करे वो नहीं करता. वही कैसे मतलब आते हैं, ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम जब बहुत लोग म्यूजिक वीडियोस के लिए भी अप्रोच करते थे, बट इफ मतलब वो सिर्फ पैसों के लिए कुछ चीजें नहीं की जा सकती ना, इट्स लाइक इफ यू डोंट विश टू डू समथिंग लाइक दैट सो यू विल नॉट डू इट. तो वो एक चीज रही है मुझ में. सो कीप क्रिएटिंग कंटेंट एंड पीपल are enjoying and they will keep enjoying. Means a lot. And thank you so much. Thank for you. such a candid conversation. हाँ. मजा आया, मुझे लगता है बड़ी सारी बातें हैं जो शायद आपने शेयर नहीं की होंगी. आसानी से नहीं. अक्षय कुमार सच्चाई नहीं बताई, वो सब एडिट कर अक्षय कुमार को अलग से दिखाऊंगा वीडियो में. उनको याद आ जाए तो नथिंग लाइक मी, क्या पता वो डीएम करे इट्स लाइक तू रुक. हां तू मिल नहीं तुझे बताता हूं, मैं दिखा दूंगा उनको जाकर. हां प्लीज दिखाना, क्या पता उनको याद आ जाए यार. नहीं आ जाएगा, ही इज वेरी गुड मेमोरी. God knows. उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, मतलब यू नो मैं जब कभी भी अब उनसे मिलो तो मैंने पूछा कि पहचाना मुझे, 10 बार दो इंटरव्यू कर चुका है तू. Wow. ही नोज, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ एक्टर्स हैं जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, आई हैव सीन. और ऐसा नहीं कि वो एम ही बोल रहे हैं, वो बता देंगे कि उस फिल्म में इंटरव्यू किया था, वहां पे इंटरव्यू किया था, खड़े होकर इंटरव्यू. बट मैं वाज लाइक इंटर्न ना, नॉट इवन लाइक अ प्रॉपर आरजे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उन्होंने किया था ना, ठीक है, बट दिखाएंगे उनको. मैं मतलब मैं लेके जाऊंगा उनको कि देखिए, मैं आपको फोटो भेजूंगी वो वाली. डन. हां आप भेजना और मैं 100% दिखा के फिर आई सेंड यू दैट वीडियो. बस डन, ये जिस दिन हो गया डन, उस दिन हम वापस मिलके एक इंटरव्यू करेंगे. डन डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय. आपने भी तो नाम यही सोच के रखा हो ना, बातचीत वाली आंटी. नहीं, मेरा नाम का मतलब है वेरी क्यूट आंटी. वेरी क्यूट आंटी. इस दुनिया में कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ टीवी पे, कुछ फिल्मों में, तो उन सबको इकट्ठा किया जाए और एक जगह डाल दिया जाए जहां वो लोग मैडनेस मचाएंगे और इंडिया को हंसाएंगे. पहले क्षण से लाइन मार रहा है परितोष त्रिपाठी, मान नहीं रहा है, कभी कविताएं दे रहा है, कभी खुद लौट जा रहा है उनके चरणों में, तो क्या करें. सत्य बात ये है कि हुमा जी का ध्यान तो हमारी तरफ रहता है क्योंकि हम उनको हंसाते हैं. ये सब आशिकी करने से कहाँ कंटेंट आता है. सासू माँ खुश हैं कि बहू टीवी पे आ रही है? सासू माँ मेरी बहुत खुश हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं और उनके लिए भी ये नया है क्योंकि किसी ने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीवी पर आऊंगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा फायदे का सौदा हुआ है ये शो करके, क्योंकि हंसाने से ज्यादा हंसने का काम है मेरा इधर. मुझे BC करने का बहुत शौक है और BC का मतलब बकचोदी नहीं होता, बातचीत होता है. और जब साथ में BC आंटी हो तो फिर क्या होगा. नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे. मैं अब बहुत बढ़िया हो गई हूँ, आपके साथ BC करेंगे बातचीत. बातचीत हमारा एक शो भी है, थोड़ी बात थोड़ी चीत. वैसे बीसी को और सेंस में क्यों लिया जाता है? बातचीत. आपने भी तो नाम यही सोच के रखा हो ना, बातचीत वाली आंटी. नहीं, मेरा नाम का मतलब है वेरी क्यूट आंटी. वेरी क्यूट आंटी. हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम क्यूट क्यूट. बहुत बहुत बहुत. लेकिन कुछ क्या मचाने वाली हैं आप? कुछ मुझे पता चला कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो एकदम BC DC MC सब कुछ होने वाला. तो आपकी खबर एकदम सही है. सोनी TV ने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे पागल कॉमेडियंस जो हैं वो खुले छूटे हुए हैं,
इस दुनिया में, कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ टीवी पे, कुछ फिल्मों में, तो उन सबको इकट्ठा किया जाए और एक जगह डाल दिया जाए जहां वो लोग मैडनेस मचाएंगे और इंडिया को हंसाएंगे। और हुमा कुरैशी जी पे ये जिम्मेदारी है कि उनको देखना है कि ये लोग वाकई हंसाते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसे ही फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। तो ये शो है मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, जहाँ पे बहुत सारी पागलपंती होगी, बहुत सारे कॉमेडियंस मिल रहे हैं और होगा थोड़ा सा खिचड़ी, तो ऑडियंस हंसेगी और हम लोग पागल होते जाएंगे। और एमसी का भी मतलब मैं बता दूं, महान कॉमेडी, महान कॉमेडियंस। हाँ। कोई डबल मीनिंग बात यहाँ पे नहीं हो रही। हाँ, प्लीज ये आप प्लीज क्लियर कर दें, मैं बहुत ही सभ्य महिला हूँ, बिल्कुल मैं थोड़ी सी पागल हूँ लेकिन हूँ तो सभ्य, तो मैडनेस मैडनेस वाली सभ्य महिला हूँ मैं। अच्छा ये बताइए कि हुमा कुरैशी सामने और तीन चार जो हैं मुश्टंडे कॉमेडियंस, तो किसी ने लाइन वाइन तो नहीं मारी उन? हाँ, पहले दिन से, पहले क्षण से लाइन मार रहा है परितोष त्रिपाठी, मान नहीं रहा है, कभी कविताएं दे रहा है, कभी खुद लौट जा रहा है उनके चरणों में, तो क्या करें। फायदा आपको मिल रहा होगा, मुझे लगता है महिला मोर्चा को उसका फायदा नहीं मिल रहा है कि ये लोग तो थोड़ा डेविएट हो गए। हाँ नहीं, लेकिन सत्य बात ये है कि हुमा जी का ध्यान तो हमारी तरफ रहता है क्योंकि हम उनको हंसाते हैं। ये सब आशिकी करने से कहाँ कंटेंट आता है। मतलब आपने धो डाला सबको कि हंसाती मैं ही हूँ, बाकी कोई हंसा नहीं रहा। देखिए, हंसाने से ज्यादा मैं खुद इतना हंसती हूँ ना, क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा होता है ये जब सब एक्ट चल रहा होता है ना, उसके बीच में भी मेरी हंसी छूट जाती है। तो सारे ही पागल हैं। केतन ऐसी मिमिक्री करता है कि ओ माय गॉड, और वो कुछ भी बन जाता है, किसी क्षण पंकज त्रिपाठी बन जाता है, किसी क्षण ऋतिक रोशन हो जाता है, तो मुझे बड़ा मजा आता है उससे बात। करण जौहर तो वो हर कभी बन जाता है। तो वो है पागल। फिर परितोष है जो इतना क्विक विटेड है कि वो एक सेकंड के अंदर बहुत सारे जोक्स बना लेता है और सामने वाला इतनी गोलियां एक साथ, तो परितोष के जोक्स पे तो मैं हमेशा हंसती हूँ। मेरा उसके साथ, मैंने उसको बोला है कि तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भाई, जो भी तू बोलेगा मैं हंसूंगी, तो परितोष है। अंकिता स्टैंडअप बहुत अच्छा करती है, इंदर कितना अच्छा ऑब्जर्वेशनल स्टैंडअप करता है, हर्ष गुजराल का तो मेरा छोटा भाई फैन है, तो ये सारे ही धुरंधर हैं और मैं खूब हंसती हूँ इनके जोक्स पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा फ़ायदे का सौदा हुआ है ये शो करके, क्योंकि हंसाने से ज़्यादा हंसने का काम है मेरा इधर। अर्चना पूरन सिंह तो नहीं बन रही है, अब उनका रोल तो नहीं प्ले कर रही। मैं कच्ची अर्चना पूरन सिंह हूँ और मुझे लगता है अगर कोई महिला उनको रिप्लेस कर सकती है ठहाकों में तो वो मैं हूँ। देख लीजिए सोनी वालों, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे इनको ले ही लिया है। हाँ। और इसके बाद जो है वो आपके शो में जज बन के आऊंगी। हंसाना कितना मुश्किल काम होता है वैसे? हाँ। लोगों को लगता है अरे तो जोक ही तो मारना है। हंसाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। रुलाना है तो मैं कोई दुख भरी कहानी सुना दूं, आप दो मिनट में इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन हंसाने के लिए जेन्युइनली आपकी फ्री विल चाहिए। मैं गन पॉइंट पे किसी को नहीं हंसा सकती हूँ, तो इसलिए हंसाना अपने आप में एक बड़ी विधा है। और एक कॉमेडियन का ना सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं विश्वास करती हूँ। तो जब तक आप फील नहीं करेंगे बहुत सारा, तो आप किसी को हंसा नहीं पाएंगे। और लकीली मैं सेंसिटिव ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना, तो मेरे पास इमोशंस भी ज़्यादा हैं और वो सारी चीज़ें यू नो कॉमेडी में किस तरीके से हेल्प करती है वो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। कि और मुझे ये भी समझ में आता है कि मेरे बच्चे के एज ग्रुप के लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, या मेरी सास किस चीज़ को हंसी में लेंगी या किस चीज़ से ऑफेंड हो जाएंगी, तो वो सारी सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए ना ह्यूमर निकलता है। और स्पेशली ये शो जो है ना, इससे कोशिश ये है कि ये पर्सनल व्यूइंग तो है नहीं कि रील्स पे देख लिया अकेले में बैठ के हेडफोन्स लगा के। इधर पे कोशिश ये है कि 9:30 बजे शनिवार और रविवार को पूरी फैमिली इकट्ठा बैठे और इस शो को एंजॉय करे, हंसी ठाके हों और सब फिर अपना वीक शुरू हो जाए। तो ऐसे में जब आप फैमिली के लिए कॉमेडी कर रहे होते हो ना, तो आपको सेंसिटिव होना पड़ता है किस चीज़ से किसको बुरा लग सकता है या क्या कोई जोक लाइन क्रॉस कर रहा है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत संभल के लेकिन मैडनेस मचा रहे हैं। सासू माँ पे जोक तो नहीं मारा? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं, हमने कहा ना सभ्य महिला हैं। सभ्य महिला सासू माँ पे जोक नहीं मार सकती? नहीं, मतलब मैं तो नहीं मार सकती। सासू माँ खुश हैं कि बहू टीवी पे आ रही है? सासू माँ मेरी बहुत खुश हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं और उनके लिए भी ये नया है क्योंकि किसी ने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीवी पर आऊँगी।
तो मेरी फैमिली बहुत खुश है. और आज भी मैं सुबह जब निकल रही थी घर से कि आज प्रेस मीट है मैं जाऊं, तो इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया, बोला कितनी अच्छी लग रही हो, काला टीका लगा के जाओ. तो ऐसी सास जो है सबको मिले. और हम आपके साथ एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू भी करने वाले हैं जी. तो वो भी देखना है, ये शो भी देखना है, उसमें पूरी जर्नी आपकी आप बताने वाले हो अपने फैंस को कि कैसे शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था, ये बचपन में कितनी वेरी क्यूट थी, कितनी MCBC ये सब किया करती थी. मैं MCBC का मतलब क्लियर कर, महान कॉमेडी कितनी किया करती. तो उन सब पे हम डिटेल बातचीत करने वाले हैं. तब तक के लिए आपको इस शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. खूब जलवा आपका एकदम छा जाए, जैसे आप सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, टीवी पर भी छा जाए. थैंक यू सो मच. थैंक्स. थैंकफुली मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है. ओह थैंकफुली. क्या पता छोटा ज्यादा तेज हो, बदले करना चाहता हूँ शादी. मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, मतलब अपने अपने साथ रहना. अगर प्यार के साथ साथ आप पीस छोड़ दिया आपने, तो वो प्यार नहीं था कभी भी, वो एक आदत थी. मैं काम ढूंढता रहता हूँ, आपके पास भी किसी के पास हो तो बताना मुझे कोई काम. क्योंकि बचपन से आई वाज लाइक ओह शादी मुझे यहाँ करनी है, मुझे ये पहनना है, मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए, मुझे लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई हैव अ होल बुक आल्सो. हाय एवरीवन, आई एम दिव्या. यू वाचिंग मी ऑन ABP लाइव एज वेल एज ENT लाइव. टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद साई मांजरेकर एंड गुरु रंधावा. हाय गाइस. सही साई मांजरेकर एंड गुरु रंधावा. हाय गाइस. हाय. हाउ आर यू? वेरी फाइन. सबसे पहले थैंक यू फॉर आस्किंग, बाय द वे नोबडी आस्क्ड अस फ्रॉम 10 डेज. नहीं मैं एक्चुअली पूछ रही हूं. सब सही है, बढ़िया है. थैंक यू, एवरीथिंग गुड. थैंक यू. सबसे पहले मैं पोस्टर देख रही हूं अपने पीछे, आपके पीछे. तो मुझे इसमें अनुपम खेर सर दिख रहे हैं, इलरुन मैम दिख रही हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे ट्रेलर में ब्रह्मानंदम सर भी दिखे हैं. या हां, कैसा लगा इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करके? आपकी तो पहली मूवी एंड यू आर आल्सो एट वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ वर्क. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई थिंक इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि आई थिंक सिंस माई फर्स्ट फिल्म टचवुड, आई बीन लकी इनफ टू वर्क विद वेरी एक्सपीरियंस्ड मंझे हुए एक्टर्स. तो सिर्फ उनको काम करते हुए देख के, उनको अपने जोन में देख के, जस्ट टू वॉच वॉट दे डू, हाउ दे डू इट, हाउ दे गेट देयर, इज जस्ट सच अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. सेट पे बैठ के देखना ही इतना कुछ सीखने मिलता है. आई थिंक इट्स बीन रियली ग्रेट. गुरु? या मैं तो थैंक यू करता रहता हूँ सबका, अपने आप को भी थैंक यू करता हूँ रोज़ की मैं अपने आप को इस तरीके से देख पाता हूँ, और जैसे देख पाता हूँ वो हो जाता है लाइफ में. मेरे को इतनी बढ़िया स्टार कास्ट, पहले तो ये सब मुझे जानते हैं, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू देम कि मेरे को इतने सीनियर एक्टर्स दे नो मी बाय माई नेम एंड दे वर रेडी टू वर्क विद मी. क्योंकि पहली फिल्म में अक्सर होता है यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू हसल for big names to be in your picture, because मैं और सही हम सबको ये कह रहे हैं, हमारी पिक्चर नहीं है ये, सबकी पिक्चर है, ये सब एक्टर्स हैं इसमें. और आई एम फीलिंग वेरी गुड या मतलब मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है अपने आप को देख के. और पीपल कॉलिंग मी एक्टर फ्रॉम द ट्रेलर, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड आई होप दे लाइक द मूवी, बिकॉज हमने कल फिर रात फिल्म देखी थी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स अ ग्रेट मूवी. Songs are good and we've done great acting as well. Great. और जैसे मैंने ट्रेलर में देखा है कि बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं एंड शादी एंड बच्चा, एक्चुअल में कभी हुआ है कि घर वाले अब तक कि शादी कर लो ऐसा बोल दिया हो किसी ने? क्योंकि हमारे घर पे तो बोल देते हैं. ये मेरे घर पे ना थैंकफुली मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है. थैंकफुली. मतलब होता ना अगर मैं बड़ा होता तो वो वाला भी एक सीन है ना, वो भी हमने एड्रेस करा हुआ इस मूवी में कि वाय की पहले बड़े की शादी हो फिर ही छोटे की हो. क्या पता छोटा ज़्यादा तेज़ हो, बदले करना चाहता हो शादी. तो मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है एंड मैं ना यार फ्रॉम डे वन मेरा ना थोड़ा लाइफस्टाइल अलग रहा है, मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग रहा है. और पता नहीं क्यों मेरे को जैसे मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, मतलब अपने अपने साथ रहना. मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए आपका पीस कहाँ पे है, फिर अगर वो किसी पार्टनर में दिखे आपको उसके साथ रहो. अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे, अगर आप पीस से दूर जा रहे हो किसी के साथ जाके, सो मतलब रहना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो. फिर अगर प्यार के साथ साथ आप
पीस छोड़ दिया आपने तो वो प्यार नहीं था कभी भी, वो एक आदत थी। तो मैं थोड़ा ऐसा हूँ, मतलब मैं ना, मैं और वैसे भी इतना बिजी रहता हूँ सारा दिन, मैं काम ढूंढता रहता हूँ। आपके पास भी किसी के पास हो तो बताना मुझे कोई काम, क्योंकि आई लव वर्किंग एंड आई वांट वर्क एवरी डे, आई वांट वर्क 24 आवर्स अ डे, आई वांट बी अनईजी एंड आई वांट कीप मूविंग एवरी डे एंड फॉर लव एंड टू गेट मैरिड आई थिंक यू नीड टू गिव टाइम, और मेरे पास वो है नहीं अभी। एंड साइन यू? मेरा उल्टा है, आई हैव बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट वेडिंग्स एंड बचपन से आई वाज लाइक ओह शादी मुझे यहाँ करनी है, मुझे ये पहनना है, मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए, मुझे लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई हैव अ होल बुक आल्सो एंड मॉम डैड लाइक सोच भी मत अभी 28 तक कुछ नहीं करना है तुझे, सो माइन इज द अदर वे अराउंड, सो दे लाइक कीप वर्किंग टिल योर 28 देन थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड, दे राइट। ओके ग्रेट, सो गाइस दिस वाज गुरु एंड सई विद अस, होप यू लाइक्ड आवर कैजुअल टॉक्स, और एज गुरु सेड उनकी शादी का अभी कोई प्रेशर है नहीं, तो गर्ल्स कैन ट्राई। दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग ईएनटी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। कि जीवन की जो सच्ची धरोहर है ना, वो आपके माँ और बाप है, इससे बड़ा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। जितना हो सके उतना इनको प्यार दो, जितना हो सके इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उनकी हर डिमांड पूरी करो। जरूरी नहीं है कि पैसों से ही डिमांड पूरी होती है, माँ बाप की हर बात मानना भी एक डिमांड ही है, माँ बाप के लिए एक पैर पे खड़ा रहना एक डिमांड है। जिसके पास पैसे होते हैं वो हर डिमांड पूरी कर, जिसके पास नहीं पैसा हो तो एक आज्ञाकारी पुत्र बन जाइए, माँ बाप जो कहे वो मानिए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ये जीवन में जिस दिन गई उसके एक साल बाद मैंने घर बनवा दिया गांव में, वो घर बना एक साल बाद ही बनवा दिया, पहली पुण्यतिथि घर बनवा करके किया। बॉलीवुड के चर्चित कपल्स में शुमार ऋचा चड्ढा और अली फजल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, यानी ऋचा चड्ढा प्रेग्नेंट हैं। अब इनकी लव स्टोरी भी इनकी सक्सेस स्टोरी जितनी ही दिलचस्प और फिल्मी है। दोनों की मुलाकात फिल्म फुकरे के सेट पर 2012 में हुई थी और वहीं से इनके इश्क की अनोखी दास्तान की हुई थी शुरुआत। फुकरे में अली एक शांत स्वभाव के लड़के बने हुए हैं, वहीं ऋचा भोली पंजाबन नाम की गैंगस्टर लेडी के किरदार में है। ऋचा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अली को पसंद करती थी और उन्होंने ही अली को पहले प्रपोज किया था। उनके प्रपोज करने के बाद अली ने हाँ करने के लिए 3 महीनों का वक्त लगाया था। 3 महीनों के बाद अली ने अपने प्यार का इजहार करते हुए ऋचा को आई लव यू कहा था। 5 साल तक दोनों ने अपने रिलेशन के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं किया था। लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ऋचा ने रिलेशनशिप को ओपन करने का फैसला लिया और अली ने भी उसमें उनका साथ दिया। इसके बाद दोनों विक्टोरिया और अब्दुल फिल्म के प्रीमियर पर वेनिस में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आए थे। इसके बाद अली ने मालदीव ट्रिप पर ऋचा से शादी के लिए पूछा था और ऋचा ने भी हाँ कर दिया था। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने 2021 में अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था। तभी से फैंस दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दोनों 21 फरवरी को गोवा में शादी के बंधन में बंधेंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। दोनों ही अपनी शादी को लेकर काफी अटेंटिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अगर माने तो रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने गोवा में एक डेस्टिनेशन वेडिंग करने का डिसाइड किया है। लोगों ने ये भी कहा कि शायद पहले वो विदेश में शादी करना चाहते थे, लेकिन दिसंबर में पीएम मोदी के कहने पर उन्होंने अपनी शादी गोवा में करने का डिसाइड किया। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि दरअसल गोवा में इनका इश्क जो है वो परवान चढ़ा था। शादी के लिए गोवा को चुनना इनके लिए एक इमोशनल डिसीजन था और कहा जा रहा है कि इसीलिए दोनों यहाँ पर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से शादी करेंगे। मेरी एक आदत है, मैं शरीर में कोई भी कपड़ा भी अगर डालता हूँ ना और वो दिन अगर अच्छा नहीं गया तो वो कपड़ा मैं दोबारा फिर पहनता नहीं। अगर उनकी ही बात आप नहीं सुनोगे और नहीं बर्दाश्त और वहाँ पे आप अपने आप को स्टार साबित करोगे तो सो सॉरी नहीं हो सकता। इसलिए शायद कुछ लोग अपने आप को घर में भी स्टार समझते होंगे या घर में भी उनको लगता है कि मुझे दुनिया इतनी प्यार करती है तो मेरे घर वाले क्यों नहीं, सॉरी नहीं करेंगे। जो चीज था सो था, बट आज के डेट में मैं उस चीज के वश में नहीं, मेरे बस में वो है, जब मेरा दिल करेगा तो छूंगा, नहीं तो वो मेरे जीवन में अभी साइड है। पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव,
बॉलीवुड की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स भी हमेशा हाइलाइट्स में बने रहते हैं, सिर्फ अपनी फिल्मों और गानों को लेकर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ, दोस्ती, दुश्मनी सब को लेकर। आज आपको भोजपुरी के ऐसे स्टार्स के बारे में बताते हैं जो बेशक आज एक दूसरे को पसंद ना करते हों, लेकिन एक टाइम था जब वो जिगरी से जिगरी दोस्त हुआ करते थे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षरा सिंह और पवन सिंह की। तबादला, धड़कन, सैया सुपरस्टार जैसी फिल्मों में साथ दिखने वाली अक्षरा सिंह एक टाइम पर भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी थी। फिल्मों के अलावा असल जिंदगी में भी ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन इस बीच पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली और दोनों के बीच दरार पड़ गई। और अब अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक दूसरे को देखना भी शायद पसंद नहीं करते। बात काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की हो तो ये जोड़ी भी पर्दे पर काफी हिट थी, लेकिन काजल ने खेसारी लाल यादव पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इनके रिश्तों में खटास आ गई और इसके बाद खेसारी और काजल कभी साथ नहीं दिखाई दिए। आखिर में बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की दोस्ती की। पवन और खेसारी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हुआ और इस दोस्ती में दरार आई। दोनों ने मीडिया के सामने भी काफी बातें एक दूसरे के बारे में कही थी। हालांकि कुछ टाइम बाद शाहरुख और सलमान की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक गजब का पैचअप हुआ और ये पैचअप था पवन और खेसारी का, यानी कि दोनों के बीच की दोस्ती वापस से कायम हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए और एंटरटेनमेंट लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिए। बॉलीवुड के चर्चित कपल्स में शुमार ऋचा चड्ढा और अली फजल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, यानी ऋचा चड्ढा प्रेग्नेंट हैं। अब इनकी लव स्टोरी भी इनकी सक्सेस स्टोरी जितनी ही दिलचस्प और फिल्मी है। दोनों की मुलाकात फिल्म फुकरे के सेट पर 2012 में हुई थी और वहीं से इनके इश्क की अनोखी दास्तान की हुई थी शुरुआत। फुकरे में अली एक शांत स्वभाव के लड़के बने हुए हैं, वहीं ऋचा भोली पंजाबन नाम की गैंगस्टर लेडी के किरदार में है। ऋचा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अली को पसंद करती थी और उन्होंने ही अली को पहले प्रपोज किया था। उनके प्रपोज करने के बाद अली ने हाँ करने के लिए 3 महीनों का वक्त लगाया था। 3 महीनों के बाद अली ने अपने प्यार का इजहार करते हुए ऋचा को आई लव यू कहा था। 5 साल तक दोनों ने अपने रिलेशन के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं किया था। लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ऋचा ने रिलेशनशिप को ओपन करने का फैसला लिया और अली ने भी उसमें उनका साथ दिया। इसके बाद दोनों विक्टोरिया और अब्दुल फिल्म के प्रीमियर पर वेनिस में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आए थे। इसके बाद अली ने मालदीव ट्रिप पर ऋचा से शादी के लिए पूछा था और ऋचा ने भी हाँ कर दिया था। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी 21 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि कपल गोवा में शादी के बंधन में बंधेगा। रकुल और जैकी की शादी में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में फैंस उनकी शादी से जुड़ी हर डिटेल्स जानने के लिए एक्साइटेड हैं। हालांकि कपल अपनी शादी से जुड़ी तमाम अपडेट्स काफी प्राइवेट रख रहा है। अब इस बीच कपल के वेडिंग कॉस्ट्यूम के बारे में एक अहम जानकारी हाथ लगी है। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अपनी शादी के लिए बाकी स्टार्स की तरह फेमस डिजाइनर्स के आउटफिट पहनने वाले हैं। अगर एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि कपल अपने वेडिंग फंक्शंस में मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची और तरुण ताहिलियानी के आउटफिट पहनने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जैकी और रकुल सारे फंक्शंस को बहुत इंटीमेट रख रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन पर कैसे दिखते हैं इसके लिए वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हाल ही में रकुल ने अखंड पाठ से अपनी एक सेल्फी शेयर की थी और इस फोटो में एक्ट्रेस सिर पर पर्पल कलर का दुपट्टा ओढ़े हुए काफी सिंपल लुक में नजर आ रही थी। अब बहुत जल्द ही शादी की रस्में शुरू होने की खबर है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आने वाला या आई डोंट थिंक कि मेरा बॉयफ्रेंड रोबोट हो। अगर मिल जाए तो अच्छा है। वो कह रहे हैं इंसान भी नहीं मिल रही, रोबोट ही दे दो यार। दैट्स व्हाट आई विल पुट इट ऑन चार्ज। लड़कों को तो स्पेशली चाहिए होगा कि मुझे काम करने वाली बीवी चाहिए, तो वो रोबोट ही चाहेंगे कि नहीं। एक महीने में एक दो बार मारेगी वो, अगर ओरिजिनल वो तो रोज पिटेगी मेरी। गाइज आपने बीवियां लड़ती हुई देखी होंगी, रोती हुई देखी होंगी, रो शिकायतें करती हुई देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई रोबोटिक बीवी देखी है? Yes. So, तेरी बातों में उलझा जिया is all about robots, और अगर आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या बीवी या हस्बैंड इन फ्यूचर अगर रोबोट निकले
तो आपका रिएक्शन क्या होगा? Let's see. What do you think अगर आपका बॉयफ्रेंड आने वाला या I don't think मेरा बॉयफ्रेंड रोबोट हो. आपको शादी के बाद आपकी पता चले आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी जो भी है वो रोबोट है, how will you react? You know, it's a very good question. लेकिन अगर मुझे उससे पहले अगर मुझे बाद में पता चलेगा ना तो लानत है मेरे इंसान होने पे कि मैं पहचान नहीं पाया. अगर मिल जाए तो अच्छा अगर मिल जाए तो अच्छा है. वो कह रहा है इंसान भी नहीं मिल रही, रोबोट ही दे दो यार. पहले इंसान तो मिल जाए उसके बाद रोबोट को तो बात अलग है, पर इंसान भी नहीं मिला रोबोट भी नहीं मिला. चलो रोबोट ही मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों में से कोई मिल जाए. एक सेकंड, वो कह रही है इंसान से कटवा चुका है रोबोट से भी कटवाएगा. इंसान से कटवा रखा है ना इसलिए रोबोट भी चलेगी कटवाने के लिए. कोई भी मशीन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, मशीन कभी भी बिगड़ सकती है. मेरा फोन है, मैं इसे इतना प्यार करता हूँ. हाँ. मशीन है, कल कलाओ के हैंग हो गया, गुस्सा हाँ. किस पे आएगा? मशीन पे आएगा. मैं फोन फेंक के मारूंगा अपना, तोड़ूंगा. हाँ. अगर मेरी बंदी होगी वो हाँ. रोबोट होगी हाँ. और उसमें दिक्कत आ गई, उसमें हैंग पूरा कचरा जो उनमें जो वायरस घुस जाता हाँ. है, कुछ दिक्कत हो जाती है. हाँ. जो चीज इमोशंस एक आत्मा हाँ. इंसान के अंदर की आत्मा हमें सिखा सकती है, हम जो हमें बनाती है, हमें इंसान बनाती है, वो रोबोट कभी नहीं बना सकता. क्या ये तो नहीं है कि लड़के तो काटते ही हैं, अब रोबोट से नहीं कटवाना है? ऐसा तो नहीं है, लड़के काटते तो लड़कियां भी काटती है यार, ऐसा नहीं है. मैं इसलिए फेमिनिज्म नहीं है बट हाँ. लड़के काटते तो लड़कियां भी काटती हाँ. है. नुकसान क्या होने वाला है बॉयफ्रेंड का? सर बोथ डिफरेंट थिंग्स. तो मुझे नहीं हाँ. लगता है कि ठीक है, जो मूवी बनाया मूवी का कंसेप्ट अच्छा है और वैलेंटाइन वीक है तो मुझे लगता है कि वैलेंटाइन वीक में ह्यूमन बीइंग और एआई रोबोट का जो कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री जो है कैसे दिखाया गया कि इंसान और रोबोट के बीच में कैसे प्यार हो सकता है, ठीक है इट इज ओके. बट मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड लाइक रोबोट हो, आई डोंट लाइक. अच्छा चल ठीक है, तेरी शादी हो गई ठीक है, पहले ही मुंडा हमारा खुश हो गया. शादी हो गई, चलो हाँ शादी हो गई ठीक है. तू घूंघट उठा रहा है, घूंघट उठा के तुझे पता चला अरे ये तो रोबोट है. देन व्हाट? देन व्हाट? आई विल पुट इट ऑन चार्ज. I will put it on charge and I will use it till it discharges. Oh God! और अभी तो तेरे को मशीन पसंद नहीं थी? अरे किसी और चीज के लिए तो पसंद आ सकती है ना? हाँ. ये रहा नहीं जाता. ये सोचा है कि जो ओरिजिनल लड़की है अकॉर्डिंग टू यू वो सिर्फ चप्पल मारती है लेकिन रोबोट का चाटा जब पड़ेगा ना तो उठ नहीं पाओगे. नहीं नहीं तो कोई नहीं, एक महीने में एक दो बार मारेगी वो, अगर ओरिजिनल हो तो वो तो रोज पिटेगी मेरी. बात तो सही है. सेक्शुअल पार्टनर मुझे मिल सकता है, नॉट अ बिग डील. सब चीज मुझे सब कुछ बाहर सब कुछ आज मिल सकता है. हाँ. रोबोट की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं हेल्प हायर कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा. हाँ. लेकिन मुझे क्या चीज मिसिंग रहेगी? वो लाइफ में कलेश नहीं मिलेगा. वो कहते हैं ना कि आई डोंट वांट यू नो पीस, आई वांट इंसान देखा है जो लाइफ में कलेश problems. मांग रहा है. हां नहीं, कलेश ही के लिए ही तो शादी करते हैं, और क्यों शादी करते हैं? अब रोबोट होने के क्या नुकसान है और ना होने के क्या नुकसान है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये मूवी देखने के बाद पता चल जाए कौन सी मूवी है तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया मैं गिरना जाऊं, मैं इसलिए देख रही हूँ नीचे, लेकिन आप नीचे देखिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको सभी अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहे और अच्छे अच्छे रिव्यूज भी आपको यूं ही मिलते रहे. सो बाय बाय फॉर नाउ, और जाके मूवी देखो और रिव्यू अपना कमेंट में बता. I love Kareena Kapoor too much. Entertainment life. Entertainment life. Entertainment life. Entertainment life. Yes. यहाँ हो रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग, आइए आपको लेके चलते हैं. अमान पहुंच गए हैं, हम लैंड कर गया है प्लेन, अब जाएंगे सेट विजिट करेंगे. और सुना है बड़ी खूबसूरत कंट्री है और ठंड भी बहुत है यहाँ पे, तो जैकेट मफलर ऑन सेट, लेट्स गो. तो
हम पहुंच गए हैं कैंपेस्की होटल में, यहाँ पे लंच करेंगे, लेकिन जो दिखाने वाला हूं मजा आ जाएगा। द डेड सी। The 380 meters below sea level. तो इस वक्त जॉर्डन में हम जहां हैं, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। सी लेवल से भी 380 मीटर नीचे है ये, और नजारा जो है, मतलब पता नहीं तस्वीरों में आप कितना महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहां देखकर मन खुश हो जाएगा। और इस साइड से भी दिखाते हैं, इस साइड से भी किस तरह का दिख रहा है ये। ये देखिए पूरा डेड सी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और मतलब इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट पे जाने से पहले भी जो चीजें दिख रही हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। मतलब यहाँ तो सब बड़ा ही बड़ा नजर आ रहा है, मतलब छोटे की तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब अब जॉर्डन में हूँ, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट पे जाना है, उनसे मिलना है, बात करनी है, देखना है फिल्म कैसे शूट होती है। यहां हम रुके हैं, मेरे पीछे डेड सी है, डेड सी कहते हैं इसे। तो टी एट डेड सी। हाय गाइस, तो कल हम आने के बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने गए, और वहां पर बड़ा अच्छा सरप्राइज ये मिला कि अरबिक म्यूजिक हमने सुना, जो कि बहुत सोलफुल था, बहुत मजेदार था, बहुत मजा आया। वहां बड़े मियां छोटे मियां के जो प्रोड्यूसर हैं जैकी भगनानी, वो मिले, उन्होंने अपना विजन शेयर किया कि भाई वो एक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। तो बड़े मियां छोटे मियां जो है वो सिर्फ एक फिल्म नहीं रहेगी, आगे भी इसमें कुछ कुछ एडिशंस जो हैं वो होते रहेंगे। अब आज हम मुलाकात करने वाले हैं अक्षय कुमार से, टाइगर श्रॉफ से, और जाने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां के सेट पर। वहां क्या कुछ होगा वो आपको बताएंगे, और जो कुछ भी एक्शन होने वाला है ना वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशंस है ना वो बवाल है। अभी हम पेट्रा जा रहे हैं, एक लोकेशन है यहाँ की, वहां पे भी खूब सारी फिल्में जो हैं वो शूट होंगी और हो रही भी हैं शायद, हम पता करेंगे और जो भी डिटेल्स होगी वो आपको देंगे। तो चलिए लेट्स गो टू पेट्रा। तो अब हम पहुंच गए हैं पेट्रा। ईएनटी लाइव, ईएनटी लाइव इज इन पेट्रा। लेट्स गो टू पेट्रा। सो वी हैव मेट समवन इन पेट्रा हु लव्स करीना कपूर। यस, आई लव करीना कपूर टू मच। व्हिच पिक्चर ऑफ करीना यू हैव सीन? ओह, ऑल पिक्चर ऑफ करीना, माय होम, ऑल पिक्चर ऑफ करीना कपूर, करीना कपूर, करीना कपूर। मैं अपनी फेवरेट हूँ। You have seen the dialogue. मैं अपनी फेवरेट हूँ। Yes, yes, yes. It's really nice. It's really nice. Yeah, it's really And nice. Who else you love? Kareena Kapoor. Apart from Kareena, you know, my family they like Salman Khan. Oh, yeah. Bhaijaan. Bhaijaan. Yeah. Yes. And anyone else? Shah Rukh Khan, everybody, my but everybody. Me, I love Kareena Kapoor. Kareena. I want to meet Indian. To Jordan, please. Please come here. Please Tell come to name. Jordan. Abdullah. Abdullah, please meet Abdullah in Jordan whenever you come. Yes, when you come, Kareena Kapoor, please, I want to take photo with you. See you. So we have got our ticket to visit Petra, and now let's see the seven wonders of the world. Guys, so now we have started walking in Petra. Petra ghumna shuru kar liya hai humne, aur हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और गजब की ठंड लग रही है। मतलब दिल्ली याद आ गई हमको, और हॉर्स राइड के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पैदल ही जाना ठीक रहेगा, थोड़ा गर्म भी हो जाएंगे। ढूंढते हैं और बॉलीवुड ढूंढते हैं यहाँ पे, फिल्में ढूंढते हैं यहाँ पे। इसे लॉस्ट सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये तो ऐसी सिटी है जहाँ आके आप खुद लॉस्ट हो जाए। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो व्यू है, दैट इज लाइक सरियल। नजारे हैं यहाँ के, और बस हर कोना एक फ्रेम है,
चाय, ओ माय गॉड, कैन आई हैव, यू हैव एक्स्ट्रा, श्योर। बड़ी अच्छी है, वेरी नाइस। ब्लैक टी विथ सेज एंड कम माय फ्रेंड, हैव अ सॉन्ग। रिपन भाई, दैट्स फॉर यू। सो दो कप चाय हमें मिल गए। लेट मी टेल यू, आहा, रिपन भाई पी के देखिए आप, मतलब दिस इज सो गुड, सो गुड। आई वर्क इन अ चैनल दैट्स नेम्ड ENT लाइव, एंटरटेनमेंट लाइव, एंटरटेनमेंट लाइव, या so you all can say subscribe to entertainment live, okay, please say it for me, everyone, subscribe to entertainment live, subscribe well, it's very hard to say, you know? okay I'll say subscribe to and you will say entertainment live, that's easy, okay? Subscribe to entertainment live. Entertainment life. Entertainment life. Yes. Guys, मतलब this is the best I can get. मतलब चाय and subscribe to entertainment life. Oh, thanks. You watch films? Films. Movie. Bollywood. Bollywood. Oh God. Bollywood. India. Oh, you love India. India. शाहरुख खान और सलमान खान एनी फिल्म ऑफ सलमान खान? करीना कपूर ओ यू लव करीना कपूर, करीना के एक और दीवाने हमें मिल गए। यू लव विच हीरोइन? लव भाई साहब, करीना का नाम आते एकदम ब्लश करने लग गए हैं, एंड बहुत सारे दीवाने हैं बॉलीवुड के, मुझे लगता है और भी मिलने वाले हैं, सो लेट्स सी कम। You love India? Yes, of Which course. Which actor you love in India? He's India, my heart. Dil mein hai inke India. You love Salman Khan? Yes, I like it. And which heroine? Which heroine? Shah Rukh Khan. Oh. I see in the movie. Oh, him. Which movie you have seen? Yes, I seen not for the name for him, and just I see him. Okay, you know? Okay. So you love Bollywood? Yes. You love Hindi films? Okay. तो गाइस पेट्रा देख लिया है हमने, और अब हम जा रहे हैं वाडी रम, जहां पर बड़े मियां छोटे मियां के सेट पर विल गो एंड विल मीट अक्षय कुमार एंड पेट्रा से अब हम आ गए हैं सेट विजिट के लिए, बस से हम उतर गए हैं, एंड नाउ द कार्स विल टेक अस टू द सेट एंड विल सी किस तरह से बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग हुई, किस सेट पर हुई जॉर्डन में, सो लेट्स फॉलो। सो गाइस सेट पे हम पहुंच गए हैं। अब भाई सेट तो हम आपको ज्यादा दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर ने इतना पैसा खर्चा करा है, तो फिल्म में देखिएगा, और फिल्म जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद सेट पे मैंने क्या कुछ किया वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन इसके बाद मुलाकात हुई अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ से, खूब सारी बातें हुई उनसे, उन्होंने कहा कि भाई फिल्म शानदार बनी है, जबरदस्त एक्शन है, रॉ एक्शन है, आपको बहुत मजा आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए एंटरटेनमेंट लाइव को, क्योंकि बहुत जल्द इस फिल्म से जुड़े और भी इंटरव्यूज और भी स्टोरीज आपको यहाँ मिलने वाली है। ENT लाइव को सब्सक्राइब किया नहीं किया? अभी कर, अभी। वरुण शांत, हर बार गदर के तारा सिंह की तरह चिल्लाना जरूरी नहीं होता यार। मैडम जी बस तुम जाओ यहाँ से, ये लोग प्यार से भी सुन लेते हैं। गाइस आई नो गदर 2 या गदर देखने के बाद लोगों के ऊपर कुछ इसी तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, और हाँ इससे याद है कि गदर 3 भी तो आने वाली है ना। देखो आपका नहीं पता, पर मुझे गदर से जितना ज्यादा प्यार था, जितनी ज्यादा पसंद थी ना वो फिल्म, गदर 2 के चीखने चिल्लाने से मुझे उतनी ही ज्यादा इरिटेशन हुई थी। आई एम श्योर आप भी हुए थे, है ना? तो गदर 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई है ये हम सबको पता है, तारा सिंह का जादू फिर से सब पर चल गया है ये भी हम सबको पता है, और अब गदर 3 आ रही है वेल ये भी सच है। लेकिन ये क्या फिल्म की रिलीज से पहले ही फिल्म की स्टोरी लीक हो चुकी है? ये कुछ नया है ना?
तो 2023 में गदर 2 जबरदस्त गदर मचा चुकी है। गदर 2 ने खाली इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर ही 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके सभी के छक्के छुड़ा दिए थे और अब गदर 3 के लिए ऑलरेडी बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट भी बनी हुई है। अभी तक फिल्म को लेकर कई सारे अपडेट सामने आ चुके हैं और अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के हिसाब से गदर 3 और गदर 2 की टाइमलाइन में काफी ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। मेकर्स का मानना है कि तारा सिंह को काफी लंबे टाइम तक कम उम्र का दिखाना काफी मुश्किल हो सकता है। गदर 3 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां गदर 2 का एंड हुआ था, मतलब कि कंटिन्यूएशन में है। गदर 3 को 1980 या फिर 1999 के टाइम में दिखाया जाएगा, उसी एरा में दिखाया जाएगा। फिल्म के लिए मेकर्स के पास 4 ऑप्शन थे जिसमें से उन्होंने फाइनली एक को चुन लिया है। वहीं गदर 3 से पहले दोनों फिल्मों की तरह यहाँ पर भी एक्शन और देशभक्ति पर ही सब कुछ बेस्ड होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि मेकर्स ने अभी तक इन अपडेट्स को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। वहीं अब जैसे जैसे फिल्म को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं, गदर 3 को लेकर सनी पाजी के सारे फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी है। हाँ, फिल्म की रिलीज को लेकर तो फिलहाल अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, फिल्म फ्लोर पर कब जाने वाली है इसको लेकर रिपोर्ट सामने जरूर आ चुकी है, जिनके हिसाब से सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 3 2025 में फ्लोर पर जा सकती है और उसी साल के एंड में फिल्म रिलीज भी हो सकती है, यानी कि क्रिसमस के अराउंड। तो अब आप बताइए कि गदर 3 के लिए अगर आपको मेकर्स को फिलहाल कोई सजेशंस देने हो तो आप कौन से देंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट पर काम अभी भी चल रहा है, और क्यों देंगे ये भी मुझे कमेंट से जरूर बताना। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो और आप भी हो मेरी तरह गदर और सनी पाजी के बहुत बड़े फैन, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इसी तरह से हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए देखते रहना ईएनटी लाइव। पूनम पांडे इज अलाइव, अब ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये पूनम खुद कह रही हैं। हाँ, वो जिंदा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके ये बताया भी है कि उन्होंने ये सब सर्विकल कैंसर पर अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था। उनके इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मोस्टली लोगों का कहना है कि ये पब्लिसिटी का सबसे वर्स्ट स्टंट है। आपको बता दें, पूनम ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, वो कई बार ऐसी हरकतें करके हाइलाइट्स का हिस्सा बनी रही है। पूनम पांडे के एक बयान ने देश में काफी सनसनी मचा दी थी। अगर आपको याद हो, पूनम ने फैंस से वादा किया था कि अगर 2011 का वर्ल्ड कप मैच इंडियन क्रिकेट टीम जीत जाएगी तो वो अपने कपड़े उतार देंगी, और इस स्टेटमेंट के बाद पूनम काफी हाईलाइट में आ गई थी। 2017 में पूनम पांडे ने अपना ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था पांडे ऐप, और लॉन्च होने के एक घंटे के अंदर अंदर ही पूनम का ये ऐप गूगल ने बैन कर दिया था, क्योंकि ये ऐप कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा था। पूनम पांडे COVID-19 लॉकडाउन के टाइम पर भी अरेस्ट हुई है, जब किसी को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था तब पूनम पांडे और उनके पति वॉक पर निकले थे और मुंबई पुलिस ने कपल को अरेस्ट कर लिया था। पूनम अपनी शादी को लेकर भी खबरों में आई थी। उन्होंने 3 साल डेट करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से साल 2020 में शादी की, लेकिन एक महीने भी ये शादी नहीं टिक पाई। पूनम ने हनीमून पर ही गोवा में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था कि वो उन्हें मुंबई में सेक्सुअली हरास करते थे। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बात करें तो राज कुंद्रा जब एडल्ट फिल्म्स बनाने के लिए विवादों का हिस्सा बने तब पूनम पांडे के साथ चल रही उनकी लीगल बैटल भी सामने आई। पूनम ने राज कुंद्रा की एक फर्म के साथ अपने नाम पर ऐप लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और शेयर्स को लेकर कंपनी में कुछ अनबन चल रही थी, और पूनम ने अपना कॉन्ट्रैक्ट इसके चलते वापस ले लिया था, जिस चक्कर में पूनम और राज कुंद्रा के बीच में एक कानूनी लड़ाई जारी थी। अब पूनम की सर्विकल कैंसर को लेकर की गई ये जो कंट्रोवर्सी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ऐसा फेक र्यूमर क्यों फैलाया और क्या ये सही तरीका है किसी भी चीज पर अवेयरनेस फैलाने का? इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंटरटेनमेंट लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए। Do you connect yourself to A.R. Rahman? तारीफ के बियॉन्ड है वो तारीफ, उतनी तारीफ तो मैंने सीखी भी नहीं करनी, बिकॉज द मेलोडी को रीमेक करने में चैलेंज यही आता है कि वोकल डिजाइनिंग में प्रोजेक्शन और डायनेमिक्स का मजा आते रहना चाहिए, पर मेरी फ्रेंडशिप सबके साथ रहती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ सीखना और सबके साथ गाना और सबके साथ जाम करना। पर्सिस्टेंट अबाउट वन थिंग कि गाना जो होना चाहिए उसका मतलब उसका जो एसेंस है और जो उसका मजा है और जो उसका अगर पावरफुल गाना, जैसे मुझे पैपी नंबर्स मिले अभी तक, आई डोंट नो, मुझे अभी तक रोमांटिक नंबर्स उतने नहीं मिले रीमेक करने के लिए, तो वो लोग उसके प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं। रूल करें जग सारा हम ही करें हैं रन 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 रन, लटका दिखा दिया तूने झटका लगा है यूं दिल को तड़ा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटी लाइव, मैं हूं दिव्या और मेरे साथ एक ऐसी आवाज है जो ना जब इनका जब गाना आता है तो 6-7 महीने तक तो जबान से नहीं उतरता,
एंड आई बिलीव के प्लेलिस्ट से तो कभी नहीं उतरता है. द पर्सन हु हैज गिवन अस बुलिया एंड मेनी अदर मास्टरपीसेस. हाय अमित, हाउ आर यू? हेलो, हाय दिव्या, आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? आई एम ग्रेट. पहले तो आप ये बता दो, अब क्या लेकर आए हो, ऐसी चीज जो प्लेलिस्ट में ऐड होने वाली है? जो कि एक रीमेक है एक बहुत ही पुराने कल्ट हिट का, और गाने का नाम है लटका. एंड रिसेंटली दैट सॉन्ग हैज गॉट रिलीज्ड एंड पीपल आर लविंग इट एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स एज वेल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड या एंड लॉट मोर अदर सॉन्ग्स टू कम एज वेल. बट व्हाई लटका, किसी को क्यों चूज किया रीमेक करने के लिए? मैंने नहीं चूज किया एक्चुअली. जी एक्चुअली लेबल ने चूज किया, जैसे चार्जिंग में लगा दे जल्दी से. और इसे एक्चुअली आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द लेबल एंड आई हैड टू सबमिट माय वॉइस. आई सबमिटेड माय वॉइस देयर एंड दे अप्रूव्ड द वॉइस एंड गाना रिलीज हो गया. लवली, मैंने सुना बहुत अच्छी वाइब है गाने की, पार्टीज में तो डेफिनेटली ये चलने वाला है. जी हां, 24 में पार्टी पे भी नंबर 8. या सो एआर रहमान का गाना था, डू यू कनेक्ट योरसेल्फ टू एआर रहमान? उनके गानों से ऑफ कोर्स यस, और आई पर्सनली हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हिम एंड मैं बचपन से उनको सुनता आ रहा हूं आई गेस. और मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनसे हमेशा उनके गानों को सुनना, उनको सीखना. और ऑफ कोर्स उस तारीफ के बियॉन्ड है वो तारीफ, उतनी तारीफ तो मैंने सीखी भी नहीं करनी. सो यही सुपर या लवली. अच्छा, क्योंकि गाने में काफी यंग जनरेशन के स्टार्स है, सिद्धार्थ निगम एंड ऑल दैट, आपका इंटरेक्शन हुआ था इनके साथ? जी हाँ, ज़ारा से मैं स्टूडियो में मिला था जब गाना डब हो रहा था एंड सिद्धार्थ आई गेस अपने वीडियो शूट्स में बिजी थे उस समय. तो जब मैंने पहले ड्राफ्ट सबमिट किया था तब अच्छा एक अच्छा इंटरेक्शन था ज़ारा के साथ. उन्होंने बताया भी, उन्होंने मुझे ब्रीफ भी किया रिगार्डिंग द सेम थिंग. How they're looking forward to it, and of course, label tips ki taraf se bhi mujhe brief aaya tha. It's a party number, and they just want the me voice, means jo mera style hai, because unhe pata hai ki hum throttle mein gaata hai aur usko peppy numbers gana bahut pasand bhi hai. Aur mujhe jo brief kiya gaya tha, maine I guess ek bas scale change ke liye baat hui thi studio mein, as far as I remember, because when it's a duet. Then duet takes a kind of a balance in between of male vocals and female vocals pitch as well. तो फिर मुझे एक बार ही बुलाया गया था फिर से, तो फिर मेरे लिए एक सेमी टोन और ऊपर कर दिया गया था गाना. I remember. Then, और they were quite confident because of course arrangers and music composers को पता था कि अमित के लिए comfortable है. It wouldn't be an issue for him. But हाँ, फिर मैंने थोड़ा सा जो experience gain किया था इतने सालों से vocal designing का, मैंने उसको बहुत utilize किया इस गाने में. Just to not make it a very what would you call it, monotonous melody, because the melody ko remake karne mein challenge yahi aata hai ki vocal designing mein projection aur dynamics ka maza aate rehna chahiye. To wo dynamics ka maza aata raha aur maine kafi vocal layerings ki, aur uske baad hook section ko bhi maine layer kiya kafi had tak, because of course female vocals mein bhi hook ka line jana tha aur male vocals mein bhi jana tha. To fir maine usko thoda vocal designing, jo hamari modern advanced techniques hai, उनके थ्रू ने EQ बूस्ट किया समझा, और मैंने काफी टाइम लिया स्टूडियो के अंदर वोकल रिकॉर्ड करते टाइम. मतलब आपने अभी बोला ये ड्यूएट था, आपने किस-किस सिंगर के साथ ड्यूएट किया अभी? जी किन-किन सिंगर्स के साथ, मतलब वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी. ओके, तो अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा आपकी ट्यूनिंग किस फीमेल सिंगर या मेल सिंगर के साथ सबसे ज्यादा अच्छी बैठती है? जी वो तो डिपेंड करता है कंपोजर सेट करे, पर मेरी फ्रेंडशिप सबके साथ रहती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ सीखना और सबके साथ गाना और सबके साथ जाम करना. बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूँ तो ड्यूएट मुझे गाने का मौका मिला है अभी तक नीति मोहन जी, अंतरा मित्रा जी, अनुष्का मनचंदा, शिल्पा राव जी, एंड आई गेस एक अच्छी खासी लिस्ट होगी. तो आई गेस या ड्यूएट तो मैंने अरिजीत साहब के साथ भी गया है, बीइंग मेल सिंगर. अमित, आपका एबीपी से ना कुछ टाइम पहले एक इंटरेक्शन हुआ था जहाँ पे आपने कहा था कि जो रीमेक्स है गानों के वो नीड ऑफ आर है. व्हाई? कुछ लोग कहते हैं रीमेक रियून कर देते हैं मास्टरपीसेस को. देखिए, मैं पहली बात तो मैं कितना सच्चा हूँ, देखिए मैंने उस समय ये बात बोली कि हाँ, नीड ऑफ आवर, और आज मैं रीमेक्स गा भी रहा हूँ.
that was completely a genuine opinion, of course, because मेरा मानना पर्सनली है कि देखिए गाने को दैट्स व्हाट आई सेड कि मैंने स्टूडियो में बहुत टाइम लिया दिव्या, मतलब मैंने पहले ही मेंशन किया, बिकॉज द रीजन इज व्हाट, टू वर्क ओवर अ सॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए. मैं मानता हूँ उस समय भी बात मैंने शायद से एबीपी न्यूज में बोली थी कि जब हम एक रीमेक करते हैं तो उस रीमेक का रीजन इस वजह से होता है रीमेक होने का उस गाने का, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि उस गाने का रिकॉल वैल्यू इतना स्ट्रांग है, उस मेलेडी का रिकॉल वैल्यू इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि व्हाट यू कैन कॉल इट, कि उसको रीमेक कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं. और हाँ, प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए. एंड मुझे ऐसा लगता है जो मेरा पिछला रीमेक जो बहुत बड़ा हिट गया था, वो भी एक कल्ट गाने कल्ट हिट गाने का ही रीमेक था, एंड द सॉन्ग वाज ओले ओले टू वोडो, वो भी टिप से ही रिलीज हुआ था, एंड दैट वाज अ मैसिव हिट. आई रिमेंबर दैट वाज इन 2022 का ही वो गाना था, और उसको बहुत अच्छे से अरेंज किया था. आई थिंक जितने भी रेप्यूटेड लेबल्स हैं, जितने भी दीज टॉप नोच लेबल्स एंड ऑल दोस पीपल ऑफ कोर्स हु रीमेक द सॉन्ग, जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर अभी तक मिला है, they all have been very they were very very consistent you know persistent about one thing, ki gana jo hona chahiye uska matlab uska jo essence hai aur jo uska maza hai aur jo uska agar powerful gana hai. Mujhe peppy numbers mile abhi tak, I don't know, mujhe abhi tak romantic numbers utne nahi mile remake karne ke liye, to wo log uske production pe dhyan dete hain, mehnat karte hain sare artists, chahe wo music composer ho, chahe wo lyricist ho, aur chahe wo actors ho, chahe direction team ho, chahe video team ho, chahe audio team ho. So the both work really hard over the project. तो अभी भी मैं लटका गाने को भी मैंने सुना, मुझे कहीं से भी प्रोडक्शन में वीक नहीं लगा, कहीं से भी हाँ नो डाउट थोड़ा मुझे मैंने as such, as I said, skills को लेके भी हमने काम किया, because the reasons what we didn't want to you know let go like a any stone unturned नहीं रखना चाहता था टीम, वो पूरी 140% देना चाहता था so that song could sound, क्योंकि कल्ट हिट है रहमान साहब का, ऑफ कोर्स, एंड कमल हसन साहब वो भी मुझे बड़े पसंद है यार, बहुत बड़ा फैन, मैं बहुत ही बड़ा मुरीद फैन, आप कुछ भी कह लीजिए उनका. और सो या तो उस चीज के यू नो एक डेकोरम मेंटेन करते हैं, स्टूडियो में भी काम हुआ है, हल्के में नहीं लिया गया, एंड टीम डिलीवर्ड इट सो वेल, आई एम रियली ग्लैड अबाउट द सेम. नो रियली द सॉन्ग इज रियली ब्रिलियंट, एंड आई एम रैपिंग अप द इंटरव्यू, एंड आई वांट टू सिंग जस्ट टू लाइंस ऑफ योर सॉन्ग. Okay. Hey, senorita, teri kitni karam tarifa, sun bonita, aise dur na ja kariba, main to deewana tera, sun le fazana mera, tere liye maine chhoda hai sabko, ab tu na dil ko dukha, tod denge hum wo jo hai tere varam, o rule kare jag sara, hum hi kare hain ran 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 ran, latka dikha diya tune, chatka laga hai o dil ko tada, o tumko tada, hey matka ke chalti hai tu jo atka hua hai dil ye to tada, o tumko tada. Lovely. Thank you so much, Amit. It was lovely talking to you. Thank you so much, Devya. Thank you so much for your valuable time. I really appreciate more it. Of your songs soon. Okay. Thank you so much. Way. Thank you, Devya. Thank you so much for your valuable time. Thank you. Yeah. Yes. Yeah. Bye-bye. रामचरित मानस को तुलसीदास रामायण जी को, शायद उनके बाद मेरे दादाजी ने ही तुलसीदास रामायण जी को आसामीज में दोहे में उन्होंने लिखा, आखिरी पहला और आखिरी इंसान. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम. राम जी के जितने गुण हैं, उस गुण को अगर थोड़ा सा भी हम लोग थोड़ा गुण को हम लोग ले पाए, हम लोग सीख पाए, तो पूरे दुनिया राम नाम है और कुछ नहीं है. ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक चलत राम चंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र. मेरे लिए राम सब कुछ है, सब कुछ. जय सिया राम, जय
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, घर मोरे आयो मोरे राम, घर आए मोरे सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो घर मोरे आयो मोरे राम, हो गयो मंदिर शबरी धाम, धन्य में हो गई रे, हरि दर्शन में खो गई रे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और अब तो राम आ गए, तो क्या महसूस कर रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि आपने तो पहले ही भजन बना दिया कि... जी, राम तो हमेशा से मन में अपने दिल में बसे हुए हैं, राम हर किसी के मन में है। और जैसे अभी बहुत खुशी की बात है, एक इस ऐतिहासिक पल में हम सभी लोग यहाँ पे आज विराजमान हैं और रामलला का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहे, और इससे खुशनसीब हम सभी लोग, मतलब इससे मैं क्या बोलूँ, बस बहुत खुशी की बात है, बहुत दिल मतलब खुशी से झूम उठे हैं। और इसीलिए आज लास्ट 6 मंथ से मेरा प्लानिंग था कि नहीं, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुझे एक सीरीज़ शुरू करनी है राम भजन से। और मैंने पहला एपिसोड लिया राम और शबरी माता का मिलन, पूरे रामचरितमानस में सबसे खूबसूरत जो मिलन है राम और शबरी जी का, प्योर भक्ति, और शबरी जी का नवोदा भक्ति के बारे में इसमें बताया गया। तो इसके ऊपर मैंने कोशिश की कि रामलला के चरण में, उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस भजन को राम जी के चरण में मैं अर्पण करूं। तो अब सेकंड एपिसोड कब आने वाला है इसका? और इसका बाकी के सेकंड एपिसोड जो राम मंदिर के ऊपर भी, जो ये जो आज दिवाली मना रहे जनवरी महीने में, तो राम मंदिर के इस खुशी के कारण जो एक और दूसरा भजन भी हमने बनाया है, उसको अभी हमने रिलीज़ नहीं किया। इसको जैसे रामलला प्रतिष्ठा हो जाने के बाद हम इस भजन को हम लोग 1 महीने में और लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग राम भरत जी के मिलाप में, राम जी के, और जैसे बहुत सारे जो भी चरित्र राम जी का पूरे रामचरित मानस में दिखने को मिल रहा है, राम हनुमान जी के मिलन में, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो सीरीज़ है मैं करने की कोशिश करूँगी, यही मेरे मन में। कोई प्लान है कि कितनी टोटल सीरीज होंगी? 10 से 12 सीरीज है, ये पहला सीरीज है राम और शबरी जी का। अच्छा, इसके अलावा कौन सा ऐसा राम भजन है जो दिल के करीब है, जब राम मन में आते हैं तो? आप कलाकार हैं, सिंगर हैं, तो मतलब मन करता है कि जब आप साथ में बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आवाज़ सुनी जाए, आपकी आवाज़ में भजन सुना जाए, तो ऐसा कोई भजन जो दिल के करीब हो? बिल्कुल, बचपन में मेरे दादाजी बहुत बड़े गुणी व्यक्ति थे, रामचरितमानस को, तुलसीदास रामायण जी को, शायद उनके बाद मेरे दादाजी ने ही इस तुलसीदास रामायण जी को आसामीज में, दोहे में उन्होंने लिखा। अच्छा। आखिरी पहला और आखिरी इंसान, और वो एक बहुत बड़े विभूति थे, और उनके साथ सानिध्य में रह के तो मैंने पहला भजन, उन्होंने मुझे जब मैं 4 ईयर्स की थी, 2 लाइन यही गाती थी, ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक चलत राम चंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र। तो तब से ही राम नाम में मन लग गया? बचपन से ही, क्योंकि जिस घर में 12 साल 14 साल टाइम लेके मेरे दादा ने इस रामचरितमानस को दोहे में लिखा, इतने साल लग गए और हमारे पूरे बचपन इसी टाइम पे निकल गए, तो एक दिल में और मन में एक बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ राम नाम को लेके, भगवान कृष्ण जी के नाम को लेके, भगवान शिव के नाम को लेके। शिवरात्रि में मेरे दादाजी का जन्म हुआ था, तो उस दिन को हम लोग धूमधाम से शिवरात्रि
भी मनाते थे और दादाजी के जन्मदिन भी मनाते थे. तो ये सारी चीज़ें दिल में एक एक जगह में बसे हुए हैं. सो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ. और राम जी के लिए उनके बस पूरे रामचरितमानस को और पूरे राम जी के जितने राम जी एक्चुअली एक इतने आइडियल एक पुरुष जिनको बोले कि राम एक्चुअली राम से हम सब कुछ सीख सकते हैं. राम जी के जैसा अभी राम राज्य प्रतिष्ठा करने हमारे प्रधानमंत्री जी राम राज्य ही प्रतिष्ठा करना वो कोशिश कर रहे हैं प्रतिष्ठा करना चाहते हैं. आज उन्होंने यही हम सबको सिखाया राम जी ने कि राम जी के जितने गुण हैं उस गुण को अगर थोड़ा सा भी हम लोग थोड़ा थोड़ा गुण को हम लोग ले पाए हम लोग सीख पाए तो पूरे दुनिया राम नाम है और कुछ नहीं है. राम राज्य ही बनेंगे. ये अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला? प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज 500 साल पुरानी बात को जो इतने लड़ाई झगड़ा सबके बाद जो आज भगवान जी अपने जगह में ही थे. भगवान कहीं नहीं गए, वहीं पे थे. बस एक ऑफिशियली जो भगवान को आज बैठाया जा रहा है प्राण दिए जा रहे उसके बाद लोगों को एक राम जी के राह पे चलने की राम जी के उस उनके जो जितने गुण हैं उन गुण को लोग क्या करेंगे और भी अंदर में समाहित करेंगे कि हाँ राम जी के बारे में और लोग जानने की कोशिश करेंगे रामचरितमानस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे. एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ये तीर्थ मतलब अभी ऑलरेडी है अभी और बड़े रूप में ये बनने जा रहे हैं. पूरे दुनिया राम नाम के ऊपर जप करेंगे और पूरा दुनिया चारों तरफ राम 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 ही होने वाले हैं. मुझे तो यही दिखाई दे रहे. अच्छा आपने पहला भजन कब बनाया था? कैसे दिमाग में आया कि भजन बनाना या भजन गाना? तो मैं बचपन से ही गा के आ रही हूँ. आसाम में भी आसामीज में काफ़ी सारे भजन हैं वो भी मैं गाते हुए मैं बड़ी हुई हूँ. और दादा से तो मैंने काफ़ी भजनें सीखी हूँ. लता जी से काफ़ी भजनें उनके गाई हुई भजन भी काफ़ी गाई हूँ. कोई लता जी का भजन सुना पाए? हाँ जी हाँ जी. तो उनका भी काफ़ी सारे हैं भजन जो बहुत खूबसूरत राम भजन ही है लता जी का. तो मैं दो लाइन वो भी गुनगुनाती हूँ. सो हर एक सिंगर के लिए लता मंगेशकर जी एक आइडियल है. मेरे लिए भी आइडियल है. सो लता जी के बहुत गाए हुए खूबसूरत भजन हैं. राम है स्वर्णाम धन्य राम धन्य नाम राम को प्रणाम राम नाम को प्रणाम राम भजन कर मन राम भजन कर मन ओ मन रे कर तू ओ मन रे कर तू राम भजन राम भजन कर मन राम भजन कर मन. क्या बात है. आपके लिए राम क्या है? मेरे लिए राम सब कुछ है. सब कुछ जहाँ राम है वो सब कुछ है. सत्य है राम निष्पक्ष है राम धर्म है राम सत्य है ना राम न्याय है राम सब कुछ है. और कोई जाते जाते कोई भजन जो दिल के करीब हो या जो अक्सर दिमाग में आता हो जब राम के बारे में सोचते राम के बारे में जो मैंने अभी शबरी जी के ऊपर ये राम जी के जो भजन जो मैंने बनाने की कोशिश की जी, जी. और इसमें जो शबरी जी और राम जी के जो शबरी जी के एक्चुअली राम जी को हमेशा अपने पुत्र के रूप में ही प्रेम किया. तभी राम जी ने उनके कुटीर होते हुए ही हनुमान जी से मिलन होके फिर वहाँ पे लंका चले गए थे. सो जो एक मातृ का प्रेम और भक्ति राम जी के लिए वो मेरे बहुत दिल के करीब है. और जिनके लिए मैंने ये भजन में मैंने दो चार पंक्तियाँ मैंने लिखवाई थी मैं उसको गाना चाहती हूँ. चख चख बेर राम जो दीनो चख चख
अखबेर राम जो तीनो मंद मंद मुस्का खालीनो बारी में तो हो गई रे हरि दर्शन में खो गई रे जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय 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 राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इतना मीठे राम भजन सुनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके बाकी भजनों की तरह खूब लोगों तक पहुंचे और खूब कामयाबी इसको मिले। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। थैंक यू सो मच टू यू। होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। अयोध्या आज ऐसी नजर आई जैसे नई दुल्हन। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिल्म इंडस्ट्री से जिन सेलिब्रिटीज को इनविटेशन भेजा गया था उनमें से लगभग सभी सेलिब्रिटीज राम मंदिर अयोध्या पहुंचे भी। इस लिस्ट में नाम है रणबीर आलिया, विकी, कैटरीना, जैकी श्रॉफ, कैलाश खेर, कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित एंड हस्बैंड नेने, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर, अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी जो कि राम लक्ष्मण सीता के लिए ही जाने जाते हैं, रणदीप हुड्डा, आयुष्मान खुराना, डायरेक्टर सुभाष घई, राजकुमार हिरानी और रोहित शेट्टी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से चिरंजीवी और रामचरण भी नजर आए। वही अगर सिंगर्स की बात करें तो सिंगर्स में कौन कौन हमें अयोध्या में दिखाई दिया तो उनमें नाम है जुबिन नौटियाल, सोनू निगम, शंकर महादेवन, कैलाश खेर। सोनू निगम और शंकर महादेवन ने राम नाम के कई भजन भी गाए। इसके साथ ही एक्टर अक्षय कुमार को भी निमंत्रण भेजा गया था लेकिन अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने वीडियो मैसेज में फैंस के साथ अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री से भी एक्टर और एमपी दिनेश लाल यादव जिन्हें निरहुआ के नाम से जाना जाता है वो अपनी धर्मपत्नी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ अयोध्या गए और स्वामी राम भद्राचार्य से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी रहे जिन्हें राम मंदिर उद्घाटन का इनविटेशन आया ही नहीं। रूमर्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सलमान खान, शाहरुख खान, फिल्म मेकर करण जौहर समेत कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं बुलाया गया था। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर देना मत भूलिएगा और ENT लाइव को सब्सक्राइब भी तुरंत कर दीजिए। खेसारी जी को ये बोलिंग कर रहे थे, आउट किया आपने खेसारी जी को? खेसारी जी को एक बार आउट कर दिया। देखिए ये वो आदमी है खेसारी जी को आउट किए हैं, वायरल कर दीजिए इनको एकदम। क्रिकेट में कहा जाता है कि दिल बड़ा होना चाहिए। तो हम लोगों सबके बतावल चाहत आनी कि आज हम सभी यहाँ लाइव हो गई बानी और CCL के प्रैक्टिस चला था। पीछे खेसारी जी क्रिकेट खेल रहे हैं और जो उनसे ये खेला करवा रहे हैं वो हमारे साथ हैं। सर कैसे खिलाड़ी हैं? सीख रहे हैं। देख ले इनका कॉन्फिडेंस है, सीख रहे हैं अभी। हाँ ठीक है, पूरी तरीके से। क्या कुछ तैयारी चल रही है CCL की? खेसारी जी ठीक ठाक खेल रहे हैं? हाँ अभी तो प्रैक्टिस से ही लग रहा है कि ठीक ठाक खेलेंगे और टीम बहुत एक्साइटेड है और जितने लोग अच्छे से प्रैक्टिस चल रहा है
हम लोग भी यही देखने आए थे कि टीम कैसे है और सब बहुत मोटिवेटेड है, बोल रहे हैं कि साल कप लेके आएंगे। भोजपुरी हीरोइंस वीरोइंस भी आएंगी? जी जरूर आएंगे। टीम में या टीम में तो अभी नहीं है, बट इस साल हमने एक डिस्कशन ओपन जरूर करा है, बट उसके ऊपर कोई रिजल्ट अगले सीजन तक आएगा कि नहीं आएगा दैट इज फाइन, बट फीमेल वन प्लेयर और टू प्लेयर मैंडेट इन एवरी टीम, दिस इज द आइडिया विच वी प्रपोज, लेट्स सी उसमें क्या होना चाहिए। व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कुछ तो होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं एक अलग आइडिया देने वाली अक्षरा सिंह जी थी। अच्छा हाँ, तो उन्होंने ये आइडिया प्रपोज करा था। किसको लाना चाहेंगे अगर दो होती हैं तो? ऐसा कोई नेम्स तो नहीं है जो बेटर प्रपोज करेगी उसको किया जाएगा इंक्लूड टीम में। वैसे तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस मेहनत कर रही है और बहुत अपलिफ्ट कर रही है इंडस्ट्री को, तो जिनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा और जिनका इसके तरफ इंटेंशन रहेगा, जो अपना टाइम दे पाएंगी, उनको हम जरूर कोशिश करेंगे। और जिसका बजट भी थोड़ा आपके बजट के हिसाब से रहेगा? देखिए क्रिकेट में कहा जाता है कि दिल बड़ा होना चाहिए। बजट तो बजट तो सारे मैनेज हो जाएंगे, बजट तो बन जाता है। आपने भी 10 साल बाद बल्ला पकड़ा? हाँ जी बिल्कुल। कैसा लग रहा? बस पुराने दिन याद आ गए। तो कुछ रन वन मारे? अब तो प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस में ही कुछ? हाँ हाँ मारे। अच्छा मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं कि कोई हीरोइन भी लाने की सोच रहे हैं हम लोग, एक दो हीरोइंस प्रपोज कर रहे हैं ऐसा कि अलाउ हो जाए, तो कोई चॉइस? भोजपुर इंडस्ट्री से अक्षरा सिंह और हैं सुबी शर्मा और दो चार हीरोइन, तो चांसेस हैं कि मतलब हीरोइन फैक्टर भी जो है इसमें ऐड हो। हाँ बिल्कुल ऐड होना चाहिए। और क्या कुछ तैयारी या क्या कुछ दिक्कतें आ रही हो स्टार्स के साथ? थोड़ा सा तो रहता नखरे उखरे दिखाते हैं। नहीं नहीं अभी तो कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं, सारी टीम फ्रेंडली है, बढ़िया खेल रही है, बढ़िया नेट प्रैक्टिस हो रही है, सो होपफुली कुछ अच्छा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कप लेके आएंगे आप? कोशिश जारी है, ऑफ कोर्स कोशिश कामयाब होती है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड उम्मीद करते हैं कि खेसारी जी की टीम जो है इस बार कप लेके आएगी। तो आप प्रैक्टिस करते हैं अभी? कर रहे थे, अभी खेसारी जी का बैटिंग हो रहा था ना। ये खेसारी जी को ये बॉलिंग कर रहे थे, आउट किया आपने खेसारी जी को? खेसारी जी को एक बार आउट कर दिया। देखिए ये वो आदमी है खेसारी जी को आउट किए हैं, वायरल कर दीजिए इनको एकदम, ठीक है? खेसारी जी बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे हैं अभी और बहुत दिन के बाद आए और इतना सारा बॉल कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग टॉप बॉल भी फेंक रहे हैं, लेग स्पिन भी कर रहे हैं, ऑफ स्पिन भी कर रहे हैं, यॉर्कर भी फेंक रहे हैं और सबको कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत दिन के बाद बैट पकड़ने के बाद भी अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। कितने रन मारे उन्होंने इस पे? तो अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है, रन तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी केवल कनेक्ट करना होता है। जो हम इस सामने कितना खेलना है, लेफ्ट कितना खेलना है, राइट कितना खेलना है, उस पर जैसे कोच का आदेश होता है उस तरह से खेलना होता है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा है। तो कब ला रहे हैं इस बार? अगर ये खेलेंगे तो कब तो लेके आ जाएंगे, देख लीजिए। अब ये खेलेंगे और इन्होंने आउट किया है तो आप बॉलिंग करेंगे? एकदम बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करेंगे ना? सीसीएल में भी करेंगे ना? करेंगे ना, एकदम करेंगे। तो बस ठीक है, लेकिन वहाँ आपको खेसारी जी को आउट नहीं करना। खेसारी जी तो हमारी टीम में रहेंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कहीं दूसरे टीम वाले को आउट करेंगे, दूसरी टीम वाले को आउट करना, लेकिन पहचान लीजिए इनको, वायरल कर दीजिए इनको। यही है जिन्होंने खेसारी लाल यादव को आउट किया है। हम लोग इंडस्ट्री में है, आइए। तो आप भी हैं सीसीएल का हिस्सा? आप एंकरिंग कर रहे हैं हम लोग की टीम का पूरा? ये तो मेरा काम कर रही है। नहीं तो वहाँ पे एंकरिंग करना आप उतना समय दे नहीं पाएंगे ना? नहीं नहीं आप पैसा दीजिए, मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। आप बड़ा नाम है, तो भोजपुरी में जब होती है स्पोर्ट्स की एंकरिंग, जैसे मान लीजिए खेसारी लाल यादव ने छक्का मार दिया, कैसे बोलेंगे, क्या 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 माहौल होता है और क्या एंकर को बोलना क्या होता है उस टाइम? देखिए सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट पे जा करके नहीं वर्क करते हैं, लाइव हमें बोलना है। तो जब वो छक्का मारेंगे जो ऑडियंस का रिएक्शन होगा और जो भी उनका रिप्लाई मिलेगा तो उसको मुझे अपने शब्दों में संवार कर और सजा कर बताना है। तो उस वक्त कुछ के कुछ से, कुछ जैसे अभी कनेक्ट कर रहे हैं हमारे बीच में, तो इसकी कमेंट्री क्या हो? इसकी कमेंट्री जैसे इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, खेसारी लाल यादव जी खेल रहे हैं पीछे, तो ये देखिए ये लाइव क्रिकेट मैच कमेंट्री जो है वो हो रही है। इन्होंने उनको आउट किया था, इनके हाथ में बॉल है, पीछे वो खेल रहे हैं और अब कमेंट्री लाइव सुनिए। जी सबसे पहले मैं अपने दर्शक का स्वागत करना चाहूंगी, मैं हूं आपकी होस्ट माही खान और आज हम सभी देख रहे हैं कि लाइव हम हो चुके हैं और आज यहां पे क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं। भोजपुरी में कीजिए ना आप, भोजपुरी में कमेंट्री करेंगी ना वहां पे? नहीं शुरू कीजिए, चलिए। तो हम लोगों सबके बतावल चाहत आनी कि आज हम सभी यहाँ लाइव हो गई वानी और सीसीएल के प्रैक्टिस चला था और ये देखिए विकास जी जो कि अभी बॉलिंग कर रहल बाड़न खेसारी जी के साथ और खेसारी जी बैटिंग पर बाड़न, तो बहुत मजा आवे वाला बा हम सभी के और ये मैच जो कि बहुत रोमांचक मोड़ ले रहल बा। और मैं हम रिक्वेस्ट करके चाहतानी हमार कैमरामैन से कि कृपया दिखाई कि खेसारी जी कैसे लाइव सीसीएल के
बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है कि भोजपुरी और हिंदी दोनों मिक्स करके मैंने आपके ऊपर वो कौन सी यॉर्कर फेंकी, आपने अच्छे से हैंडल किया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम एन एंकर आल्सो, ओके, बट मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलते हैं। भोजपुरी में मैं थोड़ा थोड़ा एंकरिंग कर रही हूँ, जैसे सरस सरील अवार्ड शो भोजपुरी की, ग्रीन सिनेमा अवार्ड शो, वो सब होस्ट कर रही हूँ। और इस बार मुझे सीसीएल में होस्ट करने का मतलब मौका मिल रहा है भोजपुरी में, देन आई फील सो लकी, आई एम टू ग्लैड टू शेयर दैट टू माई ऑडियंस कि ये मौका मुझे मिला है। थैंक्स टू एवरी वन, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर ऑफ सीसीएल भोजपुरी दबंग। कप जो है इस बार आएगा एकदम, और अगर कप आता है जैसे जीते, पहली लाइन क्या होगी? पहली लाइन तो मैं ये बोलूंगी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को कि अब हम स्वागत करें कि चाहतानी हमारे भी हम सभी के बीच में बाड़न एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत का बना कि भोजपुरी में तनका हिंदी और तनका भोजपुरी और तनका इंग्लिश मिलावल बड़ा जरूरी होला, वो हमारा ऑडियंस जे कि सब समझ जाए। तो आप सभी के बतावल चाहतानी कि हम सभी के बीच में मौजूद बाड़न एगो ऐसा शख्सियत जिनके आप सभी से इंट्रोड्यूस करावल बहुत ज़रूरी बा। तो आप सभी के वक्त ज़ाया ना करते हुए बुलावे के चाहतानी हमनी के बीच में भारत राइजिंग यानी भोजपुरी दबंग के डायरेक्टर हमारे बीच में राहुल जी हैं, सो इनका स्वागत करें सबसे। सर देखिए, ये एंकर आपके लिए बिल्कुल सही है, पूछिए क्यों। क्यों मैंने पूछा, अगर कप जीत गए तो किसको बुलाएंगी सबसे पहले, क्या लाइन बोलेंगी? एकदम इनको पता है पैसा आप ही को देना है तो इसी को बुलाएंगे। तो सबसे पहले सर के स्वागत करल चाहतानी हमारे पूरा टीम के सामने में, ठीक बा। और जब कप हमनी के हाथ में रही तो वो सबसे पहले इनकर हक बा, और साथ में हमारे सीसीएल टीम के जितना भी मेंबर बाड़न उन सब के हक बा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगले 4-5 कप के लिए अपनी एंकरिंग फिक्स कर लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारी जो टीम है बहुत सही खेल रही है, और जैसे कि भोजपुरी दबंग, नाम से ही दबंग ऐसा लगता है कि जुझारू टीम है। तो ये देखा है मैंने जिस तरह से प्रैक्टिस ये लोग कर रहे हैं और सबका साथ एक साथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल कि हम कप जीतेंगे, और एक साल नहीं कई लगातार कई साल तक जीतेंगे हम। अब एक और यॉर्कर आपके ऊपर फेंकता हूँ, पूछिए इनसे कोई तगड़ा सवाल, कोई टेढ़ा सवाल। टेढ़ा सवाल, वैसे काम तो सर सभी करते हैं, लेकिन ये जो भोजपुरी दबंग की जो टीम है आपने क्रिएट करी है और जो हर साल प्ले करती है, एक बहुत ही एक उम्दा इम्पैक्ट जो छोड़ती है हमारे इंडस्ट्री में, यह ख्याल आपको कहाँ से कब और कैसे आया? जैसे कि बता देता हूँ कि मैं मेरा जो सेक्टर है बिल्कुल अलग है, हम जो अलग अलग हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पर काम करते हैं, बट मैं हूँ गोपालगंज बिहार से, तो एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा देखा कि मैं एक अपॉर्चुनिटी मिला हमें, और हमें लगा कि हमें यहाँ से कैरी ऑन करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी गॉट इनटू इट। और एक हमारे जो पार्टनर हैं सुशील शर्मा, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उस एरिया से, तो थोड़ा सा उनका सहयोग मिला और हमने सब बोर्ड हो गए। तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार का तो जहाँ भी नाम आता है तो सीधा मेरे दिमाग में आता है कि भाई बिहार से तो सीधा IAS और IPS ही निकलते हैं, है ना? अब टाइम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बिजनेसमैन भी निकल रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही लोग जा रहे हैं। एक टाइम था जब मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, बट अब चेंज हो गया, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर सब जगह लोग जा रहे हैं। मतलब आप जैसे लोगों ने इस बिहार के हर एक लोगों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की है कि भाई हम किसी से कम नहीं है, हम हर जगह है। बिल्कुल, तो मैं भी अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं भी बिहार से ही हूँ। कहाँ से? मोतिहारी से। अच्छा, मैं गोपालगंज। दो बिहारियों के बीच में फंस गया मैं लगभग। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। सर एक बिहारी सब पे भारी और यहाँ दो है तो फिर बारी बारी। मेरे ज्यादातर दोस्त जो है वो बिहारी हैं, मीडिया में बहुत सारे बिहार यूपी के हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल, बिहार यूपी के हैं, तो बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो बिहार से ही हैं, तो बहुत प्यारे लोग होते हैं बिहार के, लिट्टी चोखा भी खिलाते हैं, और जब छठ आता है तो वो ठेकुआ भी खिलाते हैं, तो मेरे पास टन के भाव में ठेकुआ आता है बिहार से। एग्जैक्टली, और जब मन हो तो फिर चंपारण की मीट भी बहुत फेमस है, मटन। तो ठीक है, आपका इंटरव्यू अब तभी चलेगा जब चंपारण का मीट जो है वो हम तक पहुँचेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर CCL, एंड सर विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं जो है आप लेके आए, हम लेके आएंगे और गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे एकदम गर्दा मचाएंगे आप सभी के साथ मिलकर। ओके, बाय बाय। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने संपर्क किया है मेरी कहानी को जो है वो वेब सीरीज के माध्यम से दिखाने के लिए, और ऐसे ऐसे लोगों को जो है लोगों को किंग खान बोला जाएगा। ये सारी जानकारी जो है मतलब कि किस सूत्र ने दिया है, पहले मैं उस सूत्र को ढूंढूंगा
ये सूत्र जो है वो लीक कैसे कर देते हैं। कुछ लोग आए थे, अच्छा मतलब आए थे, हम मदुरई आए थे मेरे से मिलने। आप एक्टिंग करेंगे? नहीं 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 नहीं, किंग खान की फिल्म आप मानते हैं उसको लेकर? हम नहीं मानते, लोग कहते हैं, हम मन में नहीं करेंगे। किंग खान कौन है? कौन है किंग खान? कौन है नाम बताइए ना किंग खान। और ऐसे ऐसे लोगों को जो है लोगों को किंग खान बोला जाएगा। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है, मनीष कश्यप मेरे साथ हैं। और मनीष को आपने हमेशा बहुत अग्रेसिवली बात करते देखा होगा। थोड़ी सी हम बात करते हैं क्योंकि ये पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, तमाम विषयों की जानकारी रखते हैं, तो फिल्म, सिनेमा, राजनीति, क्राइम, हर तरफ की जानकारी रखते हैं। पूछते हैं इनसे कुछ सवाल ऐसे, फिल्में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस लायक समझा कि मैं हर सब्जेक्ट का जानकारी रखता हूँ। जी फिल्में मैं बहुत कम देखता हूँ। 2017 जब मतलब कि पुणे से मैं दूर हो गया, उसके बाद से फिल्में देखना बंद कर दिया। उसके पहले मैं फिल्में देखता था, जैसे ग्रेविटी फिल्म आया था, एक हॉलीवुड का बहुत हिट फिल्म, उसको जो है मैं लगातार 2 हफ्ते 14 दिन लगातार जो है मैं जाके देखा। लेकिन उसके बाद से मैंने फिल्में देखना बहुत कम कर दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर हिंदी सिनेमा अगर बात करें, इंडियन सिनेमा बात करें, देखते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ पसंद करते हैं? हाँ हाँ, फॉलो करता हूँ मैं। करते हैं फॉलो। अच्छा, आपका केस हुआ, सोनू सूद ने आपके समर्थन में ट्वीट किया, अक्षरा सिंह आपके साथ सेल्फी लेके पोस्ट करती है, ठीक है, तो ये क्या ग्लैमर इंडस्ट्री में भी तार जुड़ रहे हैं? नहीं, ग्लैमर इंडस्ट्री में कोई तार नहीं जुड़ रहा है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे रहूंगा। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने संपर्क किया है मेरी कहानी को जो है वो वेब सीरीज के माध्यम से दिखाने के लिए। उसमें समय लगेगा, 1.5 से 2 साल लगेगा, अभी वो इनिशियल स्टेज में है। क्योंकि मेरे ऊपर जो NSA लगा वो जो है पूरे देश में जो है, मैं खुद नहीं जानता था कि NSA होता क्या है। बाद में पता चला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब कि राष्ट्र के साथ ही मैंने कुछ गलत कर दिया था, ऐसा एक्ट लग गया। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने उस चीज को खारिज कर दिया, हटा दिया। तो कुछ लोगों से बातचीत हुआ, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रहूंगा। आप वहीं पे रहेंगे? अच्छा, चूंकि आपने ये बात कही है कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, तो ये मेरा सवाल आपसे हो रहा है कि ऐसा सुनने में आया है कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ और वहाँ पर उस पर एक फिल्म बनने वाली है, अ टेलर्स मर्डर स्टोरी, और इसको लेकर के जिसमें कि कुछ लोग मदुरै गए थे आपसे शायद कुछ परमिशन मांगने के लिए, जानकारी जो है मतलब कि किस सूत्र ने दिया है, पहले मैं उस सूत्र को ढूंढूंगा। देखिए सूत्र तो नहीं बताया जाते, लीक कैसे कर देते हैं। कुछ लोग आए, अच्छा मतलब आए थे, मदुरै आए थे मेरे से मिलने, कुछ लोग आए थे, लेकिन अब बातें जो है उससे अगले दौर में चली गई है। अच्छा। हाँ, और कुछ और लोग भी संपर्क किए हैं, तो उन सारी चीजों को जो है मैं कुछ दिनों के बाद जो है धीरे धीरे सारी चीजों को बताऊंगा। ठीक है, आप धीरे धीरे सारी चीजें बाद में बताइएगा, फिर भी मैं आपसे पूछती रहूंगी कि वहाँ तो आपने बताया कि आप पर वेब सीरीज बन रही है, यहाँ पर सुनने में आया था कि आपसे संपर्क करने गए थे कि आप एक्टिंग कर लो एक पत्रकार की भूमिका। हाँ 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 हाँ, ये बात सही है। आप एक्टिंग करेंगे? नहीं 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 नहीं, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ये बात सही है कि उसमें इसी चीज के लिए अप्रोच किया गया कि एक रिपोर्टर जो है उस चीज को दिखाएगा, ये तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं है? अच्छा, तीसरे सवाल पे आ जाते हैं, उस पे भी ये है कि खेसारी लाल यादव एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ सन ऑफ बिहार करके, आपके चैनल का नाम भी सन ऑफ बिहार है। अब आप जितने अग्रेसिवली ग्राउंड पे काम करते हैं एक पत्रकार के तौर पर, ट्रेलर में दिख रहा था कि खेसारी लाल यादव आई थिंक वकील के तौर पर बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं फील्ड पे, और वो भी न्याय की बात करते हैं, आप भी न्याय की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ये जो फिल्म है, जो किरदार है खेसारी का, वो आपसे इंस्पायर्ड है, तो क्या ये सच है? मुझे नहीं पता है, और मैं जेल में था तो मेरे पास जेल के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता है। अच्छा, आपने बोला कि आप पे वेब सीरीज बनने का काम मतलब हो सकता चल रहा होगा, कौन से एक्टर्स को उनके अंदर कुव्वत है कि आपका रोल कौन अच्छा निभा सकता है? सोनू सूद। सोनू भैया ट्वीट करें इसलिए? नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअल में वो कमाल के एक्टर भी हैं, उनका कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में नहीं था, वो अपने दम पे सरवाइव किए, और दम पे सरवाइव करने के बाद भी उनकी कहानी एक ऐसी है कि कोरोना के समय में जो वो बहुत फेमस हो गए, तो बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार जो है उनका विरोध भी किया, अरे यार हिट फिल्म मैं दिया, बड़ा बड़ा हिट मैं दिया, पैसा मेरे पास है, मुंबई में जो है लॉबी मेरे पास है, और फेमस पूरे देश में ये हो गया, लोगों के दिल पे छप गया, यहाँ तक कि हवाई जहाज पे छप गया।
तो वैसे वैसे लोग अगर बॉलीवुड में सर्वाइव कर रहे हैं तो वो अपने दम पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो अगर वैसे लोग सौभाग्यशाली मैं महसूस करूंगा कि अगर वो इसमें रोल करे तो, और अगर उस फिल्म में कुछ प्रेम प्रसंग दिखाया गया तो हीरोइन तो कहां से आएगा, कहानी में तड़का लगाने के लिए माँ की कहानी दिखाई जाएगी, माँ के प्रेम की कहानी दिखाई जाएगी, माँ का रोल कैसे करना, एक अनपढ़ माँ जो है अपने ताकत से जो है अपने हिम्मत से अपने हौसला से कैसे जो है पूरी दुनिया जब उसके बेटे के खिलाफ खड़ी हो गई तो वो अपने बेटे को कैसे बचा ली, तो ये भी तो एक प्रेम की कहानी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कब तक जो है हम लोग जो है वो हीरोइनों को ही मतलब कि प्रेमिका बना के जो है फिल्मों में प्रस्तुत करते रहेंगे। एक माँ की प्रेम की कहानी दिखा के देखिए, बाहुबली से भी बड़ा हिट हो सकता है। क्या बात है, आपने लॉबी की बात की, मेरा आखिरी सवाल है, आपने लॉबी की बात की, साल की शुरुआत हुई फरवरी में और पठान रिलीज हुई, शाहरुख खान की फिल्म, किंग खान की फिल्म, आप मानते हैं लेकर, हम नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं, हम मन में नहीं करेंगे, अच्छा मत मानिए, शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हुई और पठान को लेकर आपने कहा कि देखिए भाई उनकी चाहे दीपिका का कैरेक्टर हो चाहे शाहरुख का कैरेक्टर हो बहुत गलत दिखाया गया, दिखाया गया। उसके बाद हाँ उसके बाद जवान रिलीज हुई शाहरुख की ही, नाम से ही समझ में आ रहा होगा टाइटल जवान, सेम चीज कहीं ना कहीं आर्मी सेना जवान ये वो नहीं, नहीं नहीं जवान का ट्रेलर मैंने नहीं देखा, जवान फिल्म नहीं देखा, जो चीजें नहीं देखा उसको देखिए, स्वदेश फिल्म शाहरुख खान का बहुत अच्छा है, मैं देखा हूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक बार मेरे सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरी आराम से तसल्ली से सुनेंगे आपकी बात। जवान रिलीज हुई, जवान में भी वो मेट्रो में पहले मार धाड़ करते नजर आए, ठीक है, और उनका लुक भी बहुत फेमस हो गया। उसके बाद साल के अंत में उनकी आखिरी पिक्चर रिलीज हुई, इस साल की आखिरी पिक्चर रिलीज हुई डंकी, उसमें भी वो एक फौजी के किरदार में दिखे और वो गलत रास्ते से, मतलब बिना वीजा पासपोर्ट के सैनिक थे, आर्मी में थे, फौजी थे, और सीमा पार करके ये इंग्लैंड पहुंचते हैं, वहां पर अपनी प्रेमिका को ले जाने के लिए, प्रेमिका के लिए वो वहां जाते हैं और फिर वहां पर कोर्ट के सामने बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और वो वापस आ जाते हैं। हालांकि उनसे जब कहा गया कि क्या आपके देश में आपके साथ गलत हुआ, तो उन्होंने मना किया क्योंकि वो एक फौजी थे, तो उन्होंने मना किया, बाकी सारे लोगों ने हाँ किया, बाकी सारे इंग्लैंड रह गए, वो वापस आ गए। तीन फिल्में, तीनों में कहीं ना कहीं फौज आर्मी कनेक्शन रहा है, आपका अपना फौज और आर्मी कनेक्शन है, दादाजी का और आपके पापा जी का, यही गुस्सा है कि आप पठान के लिए इतना बोल दिए थे कि नहीं, गुस्सा ये है कि पठान में जो है रॉ के एक एजेंट को गलत दिखाया गया और पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट को सही दिखाया गया। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आपने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, फिल्मों पे आपको जो है अच्छा नॉलेज है, पाकिस्तान का कोई आईएसआई का एजेंट जो है भारत का मदद कर सकता है और भारत का रॉ एजेंट कभी भी भारत के खिलाफ कोई काम कर सकता है, ये गलत था, ये गलत था, ये चीजें नहीं दिखाना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। हालांकि शाहरुख का स्वदेश देखिए कितना कमाल का फिल्म है, चक दे इंडिया देखिए कितना कमाल का फिल्म है, देखने के बाद जो है रुआ रुआ खड़ा हो जाता है, एकदम लगता है कि हाँ उन्होंने एक्टिंग किया है, चक दे इंडिया में लगता है स्वदेश में एक्टिंग किया है। लेकिन देखिए धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो आदमी जो है देश के खिलाफ कुछ भी करे, देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास करे, तो वो वहां पे विरोध हो या ना हो सवाल तो होना चाहिए। और मैंने सवाल किया था कि क्या भारत में इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, भारत का इतिहास इतना समृद्ध है, कहीं किसी किताब में जो है लिखा गया है कि रॉ का इस एजेंट ने जो है भारत के खिलाफ जो है कुछ भी काम किया है, नहीं तो इनको ये कहानी मिली कैसे, और कहीं ये दिखाया गया है कि आईएसआई की एजेंट जो है वो भारत के लिए अच्छा काम किया है, तो ये गलत था, इससे गलत छवि जाएगा। अब जरा बताइए, जो पाकिस्तान हमारे अंदर घुस के जो है हमारे जवानों को मार दे रहा है, हालांकि 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के उन लोगों को सबक सिखाते रहते हैं, समय समय पे कान पकड़ के चाटा लगाते रहते हैं समय समय पे हमारे भारतीय जवान, लेकिन वो बार बार हमारे पीठ पीछे वार करता है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान की छवि को अगर अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाएगा और हमारे रॉ के एजेंट को गलत दिखाने का प्रयास किया जाएगा, तो वहां पे तो एक राष्ट्रवादी का, एक पत्रकार का, एक सच्चा भारतीय का कर्तव्य बनता है कि विरोध करे या ना करे कम से कम सवाल तो कर सके। और मैंने सवाल किया था, तो सवाल करके तो मैंने कोई गुनाह नहीं ना किया था। बिल्कुल, किंग खान से क्या आपत्ति है, किंग खान क्यों नहीं मानते? किंग खान कौन है, कौन है किंग खान, कौन है, नाम बताइए ना, किंग खान कौन है? शाहरुख खान। कलाम जी का नाम नहीं आएगा आपके जुबान पे? किंग खान कलाम जी है। अच्छा, पढ़ाई की है ना, काटिएगा मत, दिखाइएगा लोगों को, मैसेज आएगा किंग खान कलाम जी हैं, हामिद जी हैं किंग खान, जो टैंक के आगे जो है सो गए उन्हें किंग खान तो कोई बोलता नहीं है, और ऐसे ऐसे लोगों को जो है लोगों को किंग खान बोला जाएगा, हमारे लिए रोल मॉडल वो लोग हैं। मतलब आपको बॉलीवुड नहीं पसंद है? नहीं पसंद है,
बॉलीवुड के अच्छे लोग पसंद है, क्यों नहीं पसंद है? मैं अमिताभ बच्चन से भी कमला पसंद का जब उन्होंने ऐड किया था तो सवाल किया था, जब बीमल का ऐड इन्होंने किया था तो सवाल किया था, वो अलग चीज है। अच्छा, डजंट मैटर किस धर्म का आदमी है कि क्या है क्या नहीं, सवाल होना चाहिए। लेकिन किंग खान आपने कैसे बना दिया इसको, कलाम के आगे किंग खान तो किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? हमारे लिए कलाम इंपॉर्टेंट है, जिनके वजह से जो है आज भारत जो है मजबूत है और चीन और पाकिस्तान को एक साथ सबक सिखा सकता है, उस कलाम को मैं किंग मानता हूं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को कभी किंग नहीं मानता। चलिए, तो आपने बहुत बेबाकी से मैं जवाब दिए, और बुरा मत मानिएगा लेकिन मेरा तरीका यही है। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं माना है, और आपके तरीके के लिए ही लोग आपके फैन हैं, और आपने कोई मिसबिहेव नहीं किया है, बुरा बर्ताव नहीं किया है, गलत शब्दों का भी चयन मैंने नहीं किया, नहीं किया है, लेकिन किंग खान वाले बात पे जो तो मुझे गुस्सा आया। बताइए देश को कि किंग खान आखिर कौन है, बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कौन है किंग खान। बिल्कुल, अगर देखिए अब जब बात कौन है किंग खान आप बताइए, कलाम साहब नो डाउट, हामिद है नो डाउट, हाँ ठीक है, रजिया सुल्तान है नो डाउट, वेरी गुड, रजिया सुल्तान भी है नो डाउट, लेकिन जब बात हम कर रहे थे फिल्मों की, क्योंकि मेरा चैनल वही है एंटरटेनमेंट लाइफ, फिल्म की बात कर रहे थे और बॉलीवुड की बात कर रहे थे और पठान, जवान और डंकी की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जमाना। चलिए ठीक है, अब आगे से जो है पूरे देश के लोग किंग खान किसको मानेंगे वो आपके वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, बिल्कुल। तो आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिए, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए ईएनटी लाइव के साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जय हिंद, जय हिंद। क्या आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बिलीव करते हैं? नहीं, मैं हमेशा बनाता हूँ पर वो कभी मैं उस पर खरा नहीं उतरता और मैं उसे फॉलो अप नहीं कर पाता कभी। इस बार क्या करने वाले, बनाने वाले? फिर पता नहीं, आई डोंट नो, मैं सोचता ही नहीं इस बारे में क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसे फॉलो ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है। लास्ट ईयर क्या बनाया था, लास्ट ईयर क्या लिया था, सोचा था जो नहीं कर पाया? मैंने ये सोचा था कि यार मैं ना जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा और सनी देओल बनूंगा। मैंने कहा पहाड़ तोड़ूंगा हाथों से, हैंडपंप लेके उखाड़ूंगा, पर वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना डिफरेंट होता है, कब सोना है कब उठना है, यू नो ट्रैवल इतना रहता है, तो बहुत मुश्किल आता है मैनेज करना चीजों को। तो अच्छा, कोई एक आदत जिसे आप इस साल क्विट करना चाहो 2024 में? I wanna quit smoking. अच्छा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को धूम्रपान खत्म कर देना चाहिए अपनी जिंदगी से, जो एक रुकावट है बहुत बड़ी, और मुझे पता है कि वो रुकावट है, पर इट्स हार्ड टू यू नो क्विट इट, पर ठीक है, धीरे धीरे अगर मेरे दिल में है कहीं तो वो हो भी तो जाएगा, जज्बा होना चाहिए, ये विल होना चाहिए वैसा। अपनानी कौन सी आदत है, एक कोई आदत जिसे आपको लगता हो कि 2024 में मुझे ये रूटीन अपनाना चाहिए या ये आदत अपनानी ड्राइंग चाहिए? मतलब मैंने छोड़ दिया स्केचिंग करना, मैं अच्छा, चाहता हूँ कि आप स्केचिंग करते हैं? ये मैं वापस वो अपने दिनचर्या में लेके आऊँ और यू नो अपने माइंड को क्रिएटिव चीजों में रखूँ। 2023 का बेस्ट मोमेंट जो आपको लगा हो कि ये तो मेरा बेस्ट मोमेंट था? बहुत सारे हैं यार, मेरी एल्बम का पहला हमने दो गाने रिलीज कर दिए 2023 में, और स्टैन के साथ गाना, हॉस्टल के अंदर एज अ जज आना, सो बहुत सारे मूवमेंट हैं, और शुक्रिया मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि थैंक यू गॉड आपने मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी, और आप सबका शुक्रिया कहना चाहता हूँ जी। और कोई तीन चीजें जो आपके विश लिस्ट में है 2024 की जो आपको करनी है? यही तीन तो नहीं, मैं एक ही कहूँगा, मेरे को अच्छा म्यूजिक डिलीवर करना है बस, और बहुत ज्यादा म्यूजिक डिलीवर करना है, क्वालिटी अच्छा म्यूजिक और क्वालिटी म्यूजिक डिलीवर करना है। ओके, नहीं शाहरुख ने तो जितना सपोर्ट किया है इस फिल्म को, और वो इतना रिहर्सल करके आते थे, तो एक डायरेक्टर के सबसे खुशी की बात यही होती है कि आप सेट पे जाओ तो आपको पता रहे कि आज क्या होने वाला है, नहीं तो सुबह सरप्राइज होता है कि अच्छा आज एक्टर कैसे परफॉर्म करेगा। शाहरुख जैसा कैरेक्टर वो जो है आप देखेंगे कि वो मदद कर रहा है, यूजली क्या होता है एक प्रोटैगनिस्ट का एक ड्रीम होता है कि मुझे वो करना है, तो ड्रीम तो इसमें तापसी का था लंदन पहुंचना है, विक्रम और अनिल का था कि उन्हें लंदन पहुंचना है, तो शाहरुख वाज अ फैसिलिटेटर कि वो इनकी मदद कर रहा है, कि शाहरुख एक्चुअली अंडरस्टूड दैट एंड नेवर ही इंटरफेयर्ड कि नहीं यार मेरा कुछ बढ़ा दो या मेरा कुछ कम कर दो, नहीं ये सेड ओके दिस इज अ स्टोरी, हमको स्टोरी कहनी चाहिए, और वो उस स्टोरी को कहते गए, और टाइटल हमारे पास था भी नहीं है, किसी और के पास ही टाइटल रजिस्टर्ड था। एक प्रोड्यूसर हैं आकाशदीप, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू गिव इट टू अस, ही सेड मैं सीरीज ट्राई कर रहा हूँ पर आप बना लो मैं कुछ और रख लूंगा, तो उनसे फिर हमने टाइटल लिया। मैंने कहा विकी
बड़ा एक्टर हमने ठीक है उसने संजू में किया था एक रोल पर अब मैं आई डोंट वांट हिम टू डू दिस बिकॉज़ ये तो बात उन्होंने भी कुछ नहीं कहा बात आई गई हो गई रात को मुझे विकी का फोन आया कहती क्या है मैंने सुना कोई आपके पास रोल है और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा मैं तो कुछ भी करूंगा और वो नेक्स्ट डे ऑफिस आ गए और उन्होंने पढ़ा उसको और फिर कहती नहीं बिल्कुल करेंगे तो लव स्टोरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इट तो एकदम इंटेंशनली ये नहीं था कि ये तो टिपिकल लव स्टोरी थी वही होती है कि दो लोग को प्यार हो गया और साथ में रहना चाहते हैं और मिल नहीं पाते हैं तो उन्हीं के सेंटर में कहानी चल रही होती है ये कहानी का बैकड्रॉप बहुत बड़ा है एक्चुअली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार थ्री डेट्स ही बनाई जाएगी मुन्ना भाई बनाई जाएगी मैं यही कहना चाहता हूँ देखिए हर कहानी अलग होती है और मैं अगर उस ट्रैप में फंस गया कि मैं हर बार कोशिश करूँ कि वैसे ही उतना ही कॉमेडी हो उतना ही रोना हो तो वो फिर लोग आप कहेंगे कि यार हर बार वही बनाता है सर आपसे ये सवाल तो पूछा ही नहीं जा सकता कि खुश तो बहुत होंगे आप क्योंकि आपको तो आदत है इस चीज की सो वंस अगेन डंकी इज डूइंग ब्रिलियंटली वेल और मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैंने तो सुबह 5:55 का शो देखा और एकदम सुबह सुबह ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मैंने किसी फिल्म के साथ अभी तक नहीं देखा था ऑडियंस वाइज भी और फिल्म वाइज भी सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट सबसे पहले हाउ वंडरफुल यूजली वो मैं वो सुबह के शो तो इवेंट ही होते हैं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बस लोग ढोल बजा रहे होते हैं फिल्म कितनी देखते हैं मुझे सीरियसली नहीं पता होता है नहीं मुझे सर मुझे वॉशरूम जाना था बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था तो जब लुटपुट गए गाना आया था तो मैंने सोचा तब जाऊंगा लेकिन उसमें वहां पे लोगों ने डांस शुरू कर दिया तो आप फिर नहीं गए सो देन वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियो क्योंकि वो हम नॉर्मली दिल्ली के सिनेमा हॉल्स में नहीं देखते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं बट वो वहां पे था एंड इट वाज क्वाइट वेल सर एक चीज मैं आपको सर पढ़ के सुनाना चाहूंगा जब मैंने फिल्म का रिव्यू किया तो मैंने एक चीज लिखी जो मैंने बड़े दिल से फील की मुझे पता नहीं था कि आपसे मेरी बात होगी और मैं बताऊंगा आपको मैंने उसमें रिव्यू में सबसे ऊपर लिखा था कि राजकुमार हिरानी क्यों राजकुमार हिरानी है ये बात एक बार फिर साबित हो गई ये फिल्म हिरानी की फिल्म है और इसे हिरानी की फिल्म शाहरुख ने बनने दिया यही इसकी सबसे खास नहीं शाहरुख ने तो जितना सपोर्ट किया है इस फिल्म को क्योंकि मैं उनके बारे में अक्सर यही सुनता था कि बड़े इम्प्रॉम्प्टो एक्टर हैं और ऑन द स्पॉट आके काम करेंगे तो मैं तो इतना सरप्राइज हुआ कि वो एक तो वो पूरी जर्नी में साथ थे जब से लिखी जा रही थी हर ड्राफ्ट हम बात करते थे डिस्कस करते थे और मैं खुद आज भी सरप्राइज हुआ था उनको पुराने ड्राफ्ट भी याद है कि उस ड्राफ्ट में ऐसा हुआ था उस ड्राफ्ट में ऐसा हुआ था जो शायद मैं भी भूल चुका हूँ और वो इतना रिहर्सल करके आते थे तो एक डायरेक्टर की सबसे खुशी की बात यही होती है कि आप सेट पे जाओ तो आपको पता रहे कि आज क्या होने वाला है नहीं तो सुबह सरप्राइज होता है कि अच्छा आज एक्टर कैसे परफॉर्म करेगा करेक्ट सुर मिलेगा कहीं और जाएंगे कितना वक्त लगेगा तो ये 10-15 बार रात को ही रिहर्सल करके अलग अलग वर्जन मुझे भेजते थे फोन पे कि देखो ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं क्या आपको ठीक लगता है तो मुझे बहुत क्योंकि फिल्म मेकिंग की जो जर्नी होती है उसमें मजा आना चाहिए तो मजा बहुत आया शाहरुख के साथ काम करने में बट सर एक चीज जो मुझे लगी फिल्म देख के कि जो सपोर्टिंग कास्ट जो बाकी की जितनी कास्ट थी मतलब आपने सबको एक तरह से मेन कास्ट बना दिया मतलब एवरी वन वॉज लाइक यू नो आप चाहे वो विक्रम कोचर हो चाहे वो अनिल ग्रोवर हो चाहे वो बमन ईरानी हो विक्की कौशल हो मतलब किसी का अगर थोड़ा थोड़ा भी रोल था तो आप इक्वली इम्प्रेस थे सबसे मतलब बाहर आके आपको सोचना पड़ रहा था कि भाई मतलब ये अच्छा था या ये अच्छा था तो ये बैलेंस शाहरुख खान के होते हुए ये कैसे बना नहीं वही मैं कह रहा हूँ इसका क्रेडिट भी शाहरुख को ही जाना चाहिए कि नहीं तो हर हीरो कोशिश यही करता है कि मैं एकदम सेंट्रल रोल करूं और कोई ना हो पर अगर कहानी ऐसी इंसॉम्बल कहानी हो कि जहां पे क्योंकि शाहरुख जैसा कैरेक्टर वो जो है आप देखेंगे कि वो मदद कर रहा है यूजली क्या होता है एक प्रोटैगनिस्ट का एक ड्रीम होता है कि मुझे वो करना है तो ड्रीम तो इसमें तापसी का था कि उसे लंदन पहुंचना है विक्रम और अनिल का था कि उन्हें लंदन पहुंचना है तो शाहरुख वाज अ फैसिलिटेटर कि वो इनकी मदद कर रहा है तो दूसरों के रोल उतने होने जरूरी थे तो जैसे आप थ्री डेट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें भी मैडी और विक्रम का मैडी और शर्मन का रोल काफी बड़ा है काफी अच्छे अच्छे सीन्स उनके भी हैं अब इसमें बल्कि इसमें ज्यादा और ज्यादा तो इसमें और ज्यादा किरदार थे तो अब क्या है हर कहानी अलग होती है मुझे लगता है कि हर कहानी हम फॉर्मूला लेके नहीं चल सकते कि ये कहानी ऐसी थी कि एक आदमी है जिसको चार लोगों को वहां पहुंचाना है
और अगर वो चार लोगों से हम कनेक्ट नहीं होते हैं, उनकी हम जिंदगी को नहीं समझते हैं, तो फिर कहानी का आई थिंक वो इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा. तो हम वो कहानी को लेके चले. एंड आई एम जस्ट फील गुड कि शाहरुख एक्चुअली अंडरस्टूड दैट एंड नेवर ही इंटरफेयर्ड कि नहीं यार मेरा कुछ बढ़ा दो या मेरा कुछ कम कर दो. नहीं, ये सेड ओके दिस इज अ स्टोरी, हमको स्टोरी कहनी चाहिए और वो स्टोरी को कहते गए. नहीं नहीं, वो फिल्म देख के वही चीज आपको महसूस भी होती है कि एवरी कैरेक्टर हैज बीन गिवन द इक्वल इंपॉर्टेंस. और मतलब कई कई जगह जैसे आपकी फिल्मों में होता है हीरो अंडरप्ले भी करवा देते हो आप, तो वो मुझे लगा कि यहाँ यहाँ जितनी जरूरत थी उतना ही थे. ऐसा नहीं था कि मतलब क्योंकि जवान और पठान आने के बाद एक तरह का जो माहौल बना था वो बिल्कुल ऐसा था कि एकदम एक्शन पैक फिल्में आ रही हैं और ये धुआंधार हो रहा है. और ये सर 3 साल से लगभग आप रिसर्च कर रहे थे इसकी, तो जी थॉट कैसे आया? आपने कहीं, मैंने आपने कहा भी था कि आपको किसी ने पिक्चर भेजी थी कि एक घर के ऊपर एरोप्लेन की फोटो बनी हुई थी. सी क्या होता है कि हम कोशिश यही करते हैं कि कोई हर बार कोई नई कहानी ढूंढी जाए, क्योंकि कहानियां तो नहीं तो वही हैं, आप उसी दायरे में घूमते रहते हो कि आप एक्शन बना लो, रोमांस बना लो और थोड़े बहुत कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं. तो मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि नई कहानी लेके आए. उसमें चांस रिस्क भी ये रहता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड होती नहीं है कि आप कभी अच्छी लग सकती है कभी नहीं लगती है, पर एटलीस्ट मुझे लगता है हम नई कहानी बना रहे तो बनाने में मजा आएगा फिर जो हो. तो ये कहानी, मैं कुछ और कहानी पे काम कर रहा था, फिर मैंने, मेरे पास जब इमेजेस आई तो मैंने कहा ऐसे एक कौन आदमी जो तो छत के ऊपर हवाई जहाज लगाता है, हाँ ऐसा कौन लगाएगा. तो हम तो पहले हंसने लगे, फिर पता लगा कि नहीं वो एक नहीं है, कई घर है वहां पे जलंधर लुधियाना के आसपास जहाँ पे कई छतों पे लगे हुए. तो और फोटोज देखे वहां से, फिर हमने, मैंने कहा क्यों करते हैं, तो पता लगा कि इट्स काइंड ऑफ अ स्टेटस सिंबल कि उनका कोई बच्चा वहां पहुंच जाए तो वो अपने छतों पे एज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी और वो लगा देते हैं जहाज. तो फिर मैं और रिसर्च की, फिर मैं गया पंजाब, तो वहां पता लगा कि हम यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान के इस कोने में महाराष्ट्र में, हमको पता ही नहीं कि वहां पे ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी कहानी है कि कितने लोगों का ड्रीम है वहां जाने का. और बाजार के बाजार लगे हुए, उनको कहते हैं कई जगहों पर वीजा बाजार ही कहा जाता है कि आप बाजार में निकल जाओ और वो सड़क पे लिटरली लोग घूम रहे होते हैं कि वीजा लगवा लो, वीजा लगवा लो. मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा कि वीजा लगवा लो, कनाडा का लगवा लो, यहाँ का लगवा लो. फिर स्कैम्स भी होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, कैसे भेजने की कोशिश है. लाइक स्टूडेंट वीजा इज वन बिग थिंग कि वो कोशिश करते हैं कि उनको टूरिस्ट वीजा नहीं मिलता, उनकी बिजनेस वीजा नहीं मिलता, इनकम उतनी होती नहीं है. तो अच्छे हम लोग बड़ा आसानी से मान लेते हैं कि हमको तो वीजा लग जाएगा, कि हम थोड़े, हमने अपने पेपर्स दिखा दिए, एजुकेशन दिखा दी, कुछ लग जाता है. पर ये जो रूरल लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का वीजा लगना. तो फिर उनको ये करते हैं कि ये स्टूडेंट वीजा के नाम पे भेजते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी के साथ, कोई कॉलेज के साथ, वहां पे यूके में एक टाइप होता है उनका, कई बार उनकी खुद की होती है, बड़े एजेंट वहीं खुलवा लेते हैं. और वहां से एक लेटर आ जाता है कि आपका एडमिशन हो गया फला फला कोर्स में. अब इनको लेटर मिल जाता है, अब ये जाते हैं वीजा के लिए. तो वीजा का रिक्वायरमेंट होता है कि आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट पास करना है. अगर वो आपने पास कर दिया, आपका एडमिशन लेटर है, देन यू आर क्वालिफाइड टू गो. तो ये सारे लोग वहां बेचारे इंग्लिश सीखते हैं, यानी लाखों तो नहीं कहूंगा, हजारों की तादाद में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज चल रहे हैं वहां पे. तो मैंने वो क्लासेस भी अटेंड की कई बार, मैं मास्क लगा के चला जाता था, कोविड का वक्त था. तो क्लासेस में मैंने कहा मुझे ट्रायल लेना है, मुझे बैठा दो, तो मुझे बैठा देते थे वहां. तो मैं देखा वो कैसे क्लासेस चलते हैं, क्या करते हैं. और कुछ कुछ जगह पे तो बहुत डायरेक्टली पूछा भी गया कि आपको क्लास करनी है या आपको डंकी लगानी है. तो फिर वहां समझ में आया कि डंकी, यानी वो क्लियर कट बोलते, नहीं जा सकते हम, इलीगली आपको भिजवा देंगे, और काफी अच्छे खासे पैसे लेते भी हैं. तो फिर उस कहानी को समझने की कोशिश की कि क्या होता है और फिर इनका होता क्या है. मैंने कहा पहुंच तो जाते होंगे पर इलीगली रहते होंगे. फिर मैं बाहर कुछ लोगों से मिला, लंदन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, काफी जो इस तरह से गए हैं. मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो उस वक्त डंकी पे भी थे. कुछ लोगों ने यहाँ से बात करी जो फोन पे थे, कहते जी मेक्सिको बॉर्डर तक पहुंच गए, बस क्रॉस करना बाकी है, 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं. महीनों महीनों लगा के पहुंचे. अभी क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया माहौल. हमने जो 95 की कहानी बताई उसमें तो लिटरली ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ईरान ऐसे क्रॉस करते पहुंचते थे. अब कई जगहों पे वीजा ऑन अराइवल है तो वहां तक चले जाते हैं. जैसे अभी ये न्यूज खबर चल रही है, आपने देखा होगा वो एक जहाज लेके गया जो, तो वो एक ऐसे कंट्री में ले जाते हैं जहाँ वीजा ऑन अराइवल मिलता है, वहां तक पहुंच जाते हैं. फिर वो यूरोप के आसपास होते हैं, फिर वहां से कोशिश करते हैं पैदल जाके बॉर्डर क्रॉस करके उस कंट्री में घुसने की. तो मुझे लगा एक बड़ी यूनिक कहानी है जो हमने देखी नहीं है. और फिर होता क्या है उनका वहां पे,
कुछ काम कर जाते हैं कुछ नहीं, और फिर लौट नहीं पाते लोग, क्योंकि एक बार अगर वापस निकल गए फिर वापस नहीं जा पाएंगे, और यहाँ बोल के जाते हैं कि नहीं हम तो लाइफ बनाने जा रहे हैं, तो वो भी उनको होता है कि अब वापस कैसे आ जाए फेलियर बन के। तो कईयों की जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, वो कभी नहीं लौट पाते एक्चुअली, तो बहुत छोटी तादाद है जो वापस कभी आ पाती है।